ஸ்ரீஹரிம் பரமானந்தம் உபதேஷ்டாரமீஸ்வரம் வியாபகம் சர்வலோகானாம் காரணம் தம் நமாம்யஹம். சனாதன தர்மகே அகணித பிரவச்சன்மாலாக்கே இஸ் க்ஷேத்திரமே ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம் பிரவச்சன்மாலா ஸ்தோத்ரகா யஹ சட்வா புஷ்ப பூஜ்ய பாஷ்ரீகே சங் हम श्री हरि के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। यह स्तोत्र प्रवचन माला लॉकडाउन में 2020 में शुरू हुई थी, आज तक 5 पुष्प हम समर्पित कर चुके हैं। यह आज का छठवां पुष्प हम पूज्य भाई श्री के साथ मिलकर भक्ति में लग रहे हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। शेषशायी भगवान समंदर में शयन करते हैं। यह समंदर का जो जल है वही तो पूज्य भाईश्री के हृदय में उमड़ता हुआ प्यार है, क्योंकि पूज्य भाईश्री मतलब तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। वैसे जहाँ सूरज होता है वहीं प्रकाश होता है, जहाँ सूरज होता है वहीं दिन होता है, जहाँ सूरज होता है वहीं ज्ञान होता है। ऐसे हमारे ज्ञान दीप प्रकाश में पूज्य भाईश्री के साथ हमारा यह जुड़ाव अलग तरह का है, इसलिए हम लोग सदैव बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ऐसे प्रवचन माला के पुष्प का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। एक बार किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लाखों की जरूरत नहीं है क्योंकि आप करोड़ों में एक है। ऐसे हमारे पूज्य भाई श्री के साथ हम लोग आज यह प्रवचन माला का पुष्प विष्णु सहस्र नाम का यह नाम वाला स्तोत्र श्रवण करने जा रहे हैं। यजमान में बात करें तो श्री बजरंग लाल जी तापड़िया जी फैमिली मुंबई से यह हमारे मुख्य यजमान हैं, और आज के यजमान दैनिक यजमान है श्री जसुमती बहन भाड़ फैमिली अहमदाबाद से। मैं परिवार जसुमती बहन से विनती करता हूँ कि वे कृपया पूजा के लिए यहाँ रंगमंच यहाँ स्टेज पर व्यासासन के बाजू में पधारे श्री जसुमती बेन भाड़। एवं मैं बाबरेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के ऋषि कुमारों से कहता हूँ, विनती करता हूँ कि वे भी इस पूजा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऋषि कुमारों के द्वारा यह पूजा संपन्न होगी। आइए तो पूजन में आगे बढ़ते हैं। हरिओम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हस्ते गंधाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा विष्णुं ध्यायेत् हरिः ॐ मा इदं विष्णुर्बीजक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पागु सुरेश्वा। ॐ भूर्भुवः स्वः वाङ्मयस्वरूपाय नमः। श्रीनारायणाय नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अथ पुष्पमालिका। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाजे पुन्नागजातिकलवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ भूर्भुवः स्वः वाङ्मयस्वरूपाय नमः। श्रीनारायणाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। अथ व्यासपूजनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः सद्गुरुभ्यो नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। देवाग्रे नैवेद्यं निधाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रेण जलेन संप्रोक्ष्य धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य चक्रेण संरक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ उपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उदा
ज्ञानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये सलिलं समर्पयामि भुक्तवन्तं भगवन्तं ध्यायेत् हरिः ॐ मानाभ्या आसीदन्तरिक्षकोशीर्ष्णोर्द्यौः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् पुनर्भोजयेत् ॐ प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि अथ प्रदक्षिणा हरिः ॐ मा सप्तास्यासन् हरिदय स्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा चद्यग्नन् तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुम्मा प्रार्थयेत् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशीरुहेक्षणं सहारवक्षःस्थलगोस्तु भश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ भूर्भुवः स्वः अनीशाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्रीहरिभगवान् की जय श्री सद्गुरुदेवान् की जय। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पूज्य भाई श्री के साथ यह प्रवचन माला में जुड़ चुके हैं। ऋषि कुमार के द्वारा हमारे यजमान मुख्य यजमान तापड़िया जी के प्रतिनिधि रूप में ऋषि कुमार के द्वारा पूजा संपन्न हुई और यह दो सत्र में होगा। कल सुबह 10 बजे यह पूजन यह प्रवचन माला शुरू होगी, इसलिए हम लोग कल सुबह भी यहाँ 9:45 बजे अपने स्थान पर उपस्थित हो जाएंगे। 9:30 बजे विष्णु सहस्त्र पाठ शुरू हो जाएगा और 10 बजे प्रवचन शुरू हो जाएगा। सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीता
अरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बोलिए श्री हरि भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय सदगुरु भगवान की जय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम
परमानंदम उपदिष्टा रमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम् नमोस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बहुत समय के अंतराल के बाद, पता नहीं कितना महीना बीच में चला गया, हमारे विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र के स्वाध्याय का ये छठवा सत्र भगवान श्री हरि को प्रणाम करके आज से शुभारंभ कर रहे हैं। अब की बार 11 दिन के स्थान पर 7 दिन रखा है और प्रथम और अंतिम दिन को छोड़ करके बाकी वाले 5 दिनों में दो दो सत्र रख लिए। अब यही है हम लोग, तो फिर और करना क्या है काम। तो सुबह में भी 2.5 घंटा स्वाध्याय करेंगे और अपराह्न समय में भी 2.5 घंटा स्वाध्याय करेंगे। तो 5 × 2 = 10, वो आज का और अंतिम दिन वाला 1, तो 11 के जगह पर हमें 12 सत्र मिल जाएंगे। वैसे तो थोड़ा सा क्रम इस प्रकार से अब की बार परिवर्तित किया गया। मुझे लगता है कि हम 625 नाम तक की यात्रा किए थे। ये बिल्कुल आमने सामने हमारे हितेश भाई ने व्यासपीठ सजा दी है, तो थोड़ा सा लगता है कि शोभा भी लगाते तो चलता, क्योंकि स्वाध्याय वाला भाव है। लेकिन हमारे संगीतकार भी, हमने कहा कि बीच में अब कथा का अंतराल हो गया है, सबको बुला लो तो साथ रास रहना भी मिल जाएगा, सेवा भी हो जाएगी। और थोड़ा है तो स्वाध्याय, लेकिन श्री हरि तो संकीर्तन प्रिय है। जहाँ संकीर्तन होता है भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का,
भगवान के गुणों का। तो तत्र तिष्ठामि नारद, तदनुसार वैसे तो भगवान श्री हरि यहाँ नित्य विराजमान है ही है, लेकिन श्री हरि संकीर्तन प्रिय है। वेदानाम सामवेदोस्मि कह करके भगवान ने गीता में भी विभूति बताया सामवेद को, अपनी विभूति। उसके जो अच्छे जानकार ब्राह्मण हैं सामवेदी, और एक साथ मिलकर के जब सामवेद की ऋचाओं का गायन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे गंधर्व का गान हो। भगवान अपनी विभूति बतलाते हैं सामवेद को। तो यहां पर भगवान के गुणों का, और हमने बीच में ये भी चर्चा करी थी कि एक एक नाम में कहीं कहीं एक एक लीला भी है। यानी नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानी तानि वक्ष्यामि भूतये। तो उन गुणों, उन नामों में जो भगवान की लीला का भाव छुपा हुआ है, रहस्य नहीं कहेंगे, खुला खुला है, लेकिन सभी नामों में भगवान अनंत गुण गण निलय है। गुणागार संसार पारम नतो हम, गुणों के आगार है। अब देखो, रस बदल जाता है, जिह्वा को अलग अलग अनुभव होता है, तो आप तदनुसार नाम उसको दे दिए कि ये कड़वा है, ये कैसा लगा, बोले मीठा लगा, ये कैसा लगा, बोले खारा लगा, ये कुछ तुरा तुरा है, और ये बड़ा तेज है, तीखा है। तो रस तो वही है जिसको तुम तीखा बोलते हो, और लोग अपनी भाषा में कुछ उसको और नाम देते होंगे, लेकिन अनुभव तो वही है। बस उसी प्रकार भगवान के उन उन गुणों के अनुसार प्रभु के अनेक नाम, और मजे की बात है कि सभी गुणों से ऊपर है, गुण रहित है, और इसलिए नाम रूप रहित है। तो नाम रूप से रहित भी है, और नमोस्त्वनंताय और सहस्रमूर्तये, तो रूप और नाम अनंत इस प्रकार से भी है। चर्चा हम कर रहे थे ना कि भगवान प्रेम और परमात्मा दोनों विरुद्ध धर्माश्रयी है। सब प्रकार की विरुद्ध बातें प्रेम और परमात्मा में हम देखते हैं। तो जो गुणों से परे हैं और नाम रूप से रहित है, वही अनेक नामों से जाना जाता है, और अनेक रूपों में वो प्रकट होता है, और रूप के अनुसार फिर अनेक नामों से जाना जाता है। तो तद अनुसार हम भगवान के सहस्र नाम विष्णु, सहस्र नाम स्तोत्रम, आद्य शंकराचार्य भगवान ने भगवद गीता और विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए, गायन करने के लिए अनुरोध किया है। ये तो हम हर बार प्राय हम याद करते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम। तो ये भी हमने कहा कि भाई गीता वाला ज्ञान ये भोजन है, तो भोजन के पहले भी हम आचमन लेते हैं, ब्रह्मा अर्पण करके और पंचकवल दे करके, और फिर भोजन मध्ये विभेद्वारिम, और भोजनांते भी आचमन करके ही हम उठते हैं। झूठा मुंह तो उठना नहीं चाहिए, तो आचमन लेकर के हम उठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गीता है वो भोजन है, और विष्णु सहस्र नाम है वो आचमन है, ये जल है। जैसे हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, या साधु संत महात्मा भोजन करने बैठते हैं, तो सबसे पहले पानी का पात्र रखा जाता है उनके बगल में, ये जरूरी है। आजकल हम जो पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, और वहाँ खड़े खड़े खाते हैं, वो बात अलग है,
कि वहाँ तो आप पानी का ग्लास लेकर के क्या घूमोगे, एक प्लेट, अब आप द्विभुज ही हो, एक हाथ तो खाने के लिए है और एक हाथ से प्लेट उठाओ, हो गया, चतुर्भुज भी नहीं हो और सहस्रभुज भी नहीं हो। तो जो भोजन की विधि है उसमें तो कायदे से ठीक से पालथी लगाकर बैठकर, तो पहले पानी का पात्र दिया जाता है। तो भगवत गीता वाला भोजन करो, और गीता याने उपनिषद, वेद उपनिषद, उसी का ही थोड़ा सुपाच्य स्वरूप वो भगवत गीता, वो आहार है। और विष्णु सहस्रनाम मुझे फिर लगता है कि वो अमृतमय जल है, क्योंकि भगवान का नाम भी अमृत का ही। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। तो नाम अमृत है, तो अमृत रूप इस जल का आचमन, तो गीता और विष्णु सहस्रनाम। तो 625 नामों पर हमने विचार किया। अब आगे वाली यात्रा करते हैं। आप लोग हज पाठ किए, स्तोत्र पाठ हो गया, आओ 80वां श्लोक है, वहीं से यात्रा शुरू करनी है। उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर् विशोकः शोकनाशनः। तो उदीर्णः और सर्वतश्चक्षुः, इन नामों पर विचार, इस श्लोक से दो नामों पर विचार किया था हमने गत वाले सत्र में, कि उदीर्ण का मतलब है श्रेष्ठ, सब प्राणियों से श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, और सर्वतश्चक्षु थोड़ा सा जॉइंट मारना है ना, तो थोड़े दो नाम इधर हो जाएंगे, थोड़े नाम। जिसके चक्षु, जिसके नेत्र सर्वत्र है, जो सब देखते हैं, सब और देखते हैं, हमारे नेत्र आगे पीछे नहीं, यदि कोई पीछे से मुझे तो यूं करके देखना पड़ेगा, वो वाली बात है ना, कि वो एक राजा ने जो प्रश्न किए थे, तो उसका जो दीवान था या प्रधान था, बड़ा होशियार था, लेकिन बोले हमारे प्रश्न का जवाब दो। क्या? बोले परमात्मा का मुख किस दिशा में है? वो तीन प्रश्न पूछे थे, कथाओं में कई बार ये दृष्टांत की हमने चर्चा करी है, परमात्मा का सामर्थ्य वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, ये तीन प्रश्न किए। तो फिर प्रधान जी ने कहा कि भाई इसके उत्तर तो मेरी बेटी भी दे सकती है, तो बेटी को बुलाया गया। राजा ने कहा कि बेटा आप दोगे उत्तर? बोले हाँ हम देंगे यदि आप आज्ञा करो। अच्छा ठीक है, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? बोले आपको महाराज उत्तर चाहिए, जवाब चाहिए, तो मेरी एक विनती है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। बोले ठीक है बिटिया। बोले पूछिए। तो बोले भगवान कहाँ रहते हैं? तो उस लाली ने कहा कि दूध का एक कटोरा मंगवाइए। राजा ने हुक्म किया, दूध का कटोरा हाजिर हुआ, सामने रख दिया। तो लाली ने सामने प्रश्न पूछा, प्रश्न का जवाब प्रश्न से, प्रश्न ही जवाब बन जाता है कभी कभी, तो प्रश्न का जवाब प्रश्न से।
तो आपने पूछा है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, मैं कहती हूँ दूध में घी कहाँ रहता है। जिस तरह दूध में घी है व्यापक, बस उसी तरह परमात्मा है संसार में। बढ़िया, भगवान किस ओर देखता है, उनका मुख किस तरफ है। तो एक दीपक मंगवाने के लिए बोला गया, दीपक को प्रज्वलित किया गया, फिर बिटिया ने पूछा कि इस दीपक की लौ इसका मुख किस दिशा में है। तो वो लौ, वो ज्योति, वो तो सर्वत्र देख ही रही है और क्या कर सकते हैं। तो वो फिर है ना कि राजा से कहा कि महाराज एक बार आप नीचे उतर आइए, मुझे आप अपने स्थान पर बैठने की अनुमति दीजिए थोड़ी देर, जवाब चाहिए। तो फिर वो करके बोले बस यही, आप राजा बन गए, फिर मैं प्रजा हूँ, फिर कभी मैं यहाँ बैठ गई तो मैं राजा आप प्रजा। वो रामचरितमानस में क्या है कि वैसे तो वहां सपने की बात है, सपने होई भिखार इंद्र रंक नाकपति होई। तो संसार एक नाटक ही है और उसमें परमात्मा उमादारु जोशित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। वो चित्र केतु वाली कथा में भी ऐसा है ना कि वो कहता है अपने कि आप किस पुत्र के लिए रो रहे हैं, मैं कई जन्मों में कईयों का पुत्र बना, कईयों का पिता बना, आप मेरे किस जन्म के पिता है। और वो थे, अब ऋणानुबंध पूरा हुआ, मेरा वो शरीर छूट गया, अब कौन पुत्र कौन पिता। तो जिस तरह से वो महात्म्य में कहता है आत्मदेव सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, उस तरह से। तो ये सब परमात्मा का खेल है। सर्वतः चक्षु, चारों तरफ सर्वत्र देखता, बाहर तो सर्वत्र देखता अंदर भी देखता है, अंतर्यामी रूप से बैठा है तो वो सब कुछ देखते हैं। अब चलो हांधो थे ये, अब इसके ऊपर ये नाम को चिपकाओ, अनीशः, यहां से शुरू करते हैं। अनीशः, अनीशः सीधा सा अर्थ है जिनका दूसरा कोई शासक न हो, उसके ऊपर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। स्वामी का स्वामी कौन, धनी नो धनी कौन, अनीशः, वही सबका स्वामी है, उसका स्वामी कोई नहीं। अनीशः नास्ति ईशः यस्य सः, जिसका कोई ईश यानी स्वामी नहीं है, नाथ प्रभु धनी स्वामी नहीं है, वो अनीश। या तो अनिनाम प्राणिनाम ईशः इति अनीशः, ऐसा भी अर्थ होगा ना आचार्य जी, अनिनाम प्राणिनाम ईशः, प्राणियों का स्वामी इसलिए अनीशः, वही सब प्राणियों का स्वामी है। इज द लॉर्ड ऑफ और मास्टर ऑफ ऑल क्रिएचर्स, जीव मात्र के स्वामी, प्राणी मात्र के स्वामी परमात्मा। या तो अनीशः, जो स्वामी नहीं है, जैसे इच्छा और अनिच्छा, अनिच्छा इच्छा रहित्य, तो जो स्वामी नहीं है मतलब किसी का अपना स्वामित्व, जिसने अपने भक्तों पर न्योछावर कर दिया है। वृंदावन वाले ठाकुर को देखो,
ब्रह्मादि बड़े बड़े देव, इंद्रादि बड़े बड़े देव जिनको प्रणाम करते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं और जिनके अधीन हैं, अपना स्वामी मानते हैं जिनको, वे जब ब्रज में आए तो उन्होंने अपना स्वामित्व निछावर कर दिया। कोई गोपी नाचने के लिए बोले, एक थोड़ा सा माखन का लौंदा मिल जाए इस भाव से, तो भूल गया अपना स्वामित्व, भूल गया कि मैं ईश्वर हूं, और जैसा ये व्रजवासी कहे वैसा करने लग जाए, नाचने लग जाए। कवि अर्जुन का रथ चलाने लग जाए और सारथी बन जाए। देखो प्रेम में ये होता है, अनीशा अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, तो अपना स्वामित्व भी न्योछावर कर देता है। अच्छा देखो, जो भक्त भगवान को अपना स्वामी मान करके भगवान की आज्ञा में रहते हैं और भगवान जैसा स्वामी होने का एक गौरव लेते हैं, अस अभिमान जाहि जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो जिसका स्वामी मुख्यमंत्री हो या बड़ा आदमी हो, तो उसकी पत्नी भी सेठानी बनकर के घूमती है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी हो तो उसका भी अपना एक रुतबा होता है, उसके हुक्म को भी घर में तो सब मानते हैं, सब वो भी मानता है जिसको वो स्वामी कहती है, अपना नाथ समझती है, धनी समझती है, ईश समझती है वो भी। चलिए पहले सब कुछ छोड़ करके खाना तैयार है, पहले बैठ जाओ, इतने बजे आ जाना। तो उस पत्नी के समर्पण, उस पत्नी के प्रेम, है तो वो नाथ लेकिन पत्नी के समर्पण, पत्नी के प्रेम के चलते घर पे जब होता है तो अपना वो स्वामित्व भूल जाता है। अच्छा स्वामी तो एक थोड़ा ऊंचे आसन पर रहता ही है, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों एक समान हो जाते हैं घर पे प्यार के उन पलों में, तो ऐसे स्थिति में उसकी आज्ञा का ये पालन न करे पत्नी, प्रेमिका, प्रियतमा, तो वो दोष रूप नहीं मानते ना, उसको दोष रूप नहीं मानते भगवान। नहीं तो दास्य भक्ति हो जाएगी, मधुरा भक्ति की। दास्य भक्ति में तो भगवान का हुक्म सर्वोपरि, भगवान की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा सर्वोपरि, लेकिन जहां वात्सल्य भाव हो, जहां मधुर भाव हो, तो वहां तो फिर कभी ये होता है कि वो आज्ञा करे और ये अपना स्वामित्व निछावर करके उस आज्ञा का पालन करे। या तो अगला आज्ञा न माने, जैसे सख्य में भी एक वात्सल्य और एक दास्य और एक शांत, शांत में तो कुछ होना नहीं है, एकदम क्लियर सीधा साधा है स्क्रीन, लेकिन दास्य में तो वो जैसा बोले, आज्ञा गुरुणाम ह्य विचारणीया, तदनुसार ही करना है। लेकिन वात्सल्य में, श्रृंगार में और सख्य में, ये तीनों में, और व्रज में तो इन तीनों भावों की विशेष महत्ता है। व्रज मतलब इन तीन भावों की विशेष महत्ता। वात्सल्य तो वात्सल्य में भी जैसा यशोदा कहे कन्हैया करेगा, यशोदा डांटेगी तो आंख से आंसू भी बहाएगा, और सख्य भाव वाले जो सखा है वो कहां आज्ञा मानते हैं कन्हैया की, गाली भी सुना देते हैं। अरे जहां
पूजा हो जाए, स्तवन करते हैं हम, और उसमें भी कुछ दोष रह गया हो तो अंत में, पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना होती है, यदक्षर पद भ्रष्टम मात्रायनम, तो ये कह करके उसमें भी कुछ यदि स्तुति करने में, पाठ करने में कहीं कुछ गलती रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। ये तो गाली सुनाते हैं तब भी कोई दोष नहीं, किसी सखा ने ये कहा सॉरी हां का नहीं है, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने तुझे बोल दिया, कह देना संभाल अपनी गैया, भैया तेरे बाप के नौकर नहीं है, ना हूं चाकर नंद बाबा के। तो न तो उनको ये हम गलत कर रहे हैं ऐसा भाव है, और न तो श्री कृष्ण उस व्यवहार को दोष रूप मानते हैं। क्यों? स्वामित्व वहां निछावर हो गया अपने ऐसे भक्तों के सामने, भूल गए अपना स्वामित्व, भूल गए कि मैं ईश्वर हूं, अनईशः ऐसा हो गया, अनईशः। और श्रृंगार में भी गोपियां, तो वहां पर भी ये भावना है, स्वामित्व भूल जाते हैं। जहां उनके स्वामित्व का, उनके ऐश्वर्य का सतत स्मरण रहता है वहां दास्य भक्ति तो हो सकती है, वहां शांत भाव से तो आप उस सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ये व्रज जहां इन तीन भावों की प्रधानता है वहां ये बिल्कुल अपना स्वामित्व भूल गया है। तो सभी का स्वामी वो अनीशः, अनिनाम प्राणिनाम ईशः इति अनीशः, और दूसरा कोई स्वामी नहीं है जिसका, नास्ति ईशः यस्य सः अनीशः, दोनों प्रकार से वही सबका स्वामी है और उसका स्वामी कोई नहीं, धनी नो धनी कोई नहीं, वो तो है ही है। लेकिन वहां ब्रज में वो सब कुछ भूल जाता है, जिसमें अब वो ईशपना नहीं है, स्वामीपना नहीं है, अपनी बड़ाई छोड़ करके भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस पार रथ रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठा करके खिलाना ये तो दूर की बात, कोई ने छू लिया हो तो भी नहीं चलता भगवान के, कई लोग भगवान को भोग लगाते समय पूरी सावधानी बरतते हैं, अरे छूने की भी बात दूर की, दृष्टि भी किसी की पड़ जाए, नेत्रोच्छिष्ट भी हो सकती है चीज, एटला माटे जन्नकूट ना तरतोतर दर्शन न करावता ज्यां सुधी भगवान न जमी ले। भगवान को भोग लगता है फिर दर्शन खुलता है। तो फिर कई लोग तो जो बड़े प्रेमी होते हैं ना खाने के, वो जितना भगवान का दर्शन नहीं करते उतना सामग्री का दर्शन करते, अंदर अंदर पास आ हूं छे बोलू गोल गोल ई हूं छे। अब ये पहले यदि देख ले शुरुआत में ही, और यदि उसको देखने से मुंह में पानी आ जाए तो नेत्रोच्छिष्ट हो गया। हमारे यहां भक्ति मार्ग में तो यह सब मर्यादा है कि किसी एक के निमित्त आप कुछ ले आए तो आपके मन में भावना वो उसके लिए है, फिर वही चीज आप भगवान को नहीं दे सकते, भावोच्छिष्ट हो गई चीज।
भगवान के लिए ही ये है, इस भाव से जब लाया जाता, ये भगवान के लिए। अब एक व्यवहार की दुनिया में अपने अनुभव की बात करो कि कोई खाने की चीज हो और कोई किसी के लिए लाया हो लेकिन वो चले गए हो, और वो लाया तो था मैं उनके लिए लेकिन अब आप खा लो खाओ धरो ने महापेट हो तो बात जुदी, अनिशह कोई हो एने वो कहे अमने वो कहे नहीं तो बात जुदी, नहीं तो थोड़ा तो मन में कि यार उसके लिए तू लाया था और वो नहीं है इसलिए अब तुम ले लो, थोड़ा फर्क तो पड़ जाता है भाव में। एक जगह तो कोई और आने वाला था उसके लिए माला वाला सजाई थी कोई और आ गया तो मालाएं पहले उसको पहना दी और फिर उसके गले में से निकाल करके जब वो आया तो, और सौराष्ट्र में तो समारोह में ये बहुत होता है, 5 माला में 25 राजी हो जाते हैं और कभी ठीक के 10 पहनाते हैं, 5 ही माला 15 राजी हो जाते हैं और समिति के सब लोग हरेक का स्वागत करते हैं, तो हमारी माला भी बड़ी सक्षम। मल्टीपर्पज होती है तो एक अने और कायदे से पाचा मागिन ले जाए, लाओ तो ओली आपने पेरी इन बाजू में मुकी दीदी हो ना, लाओ तो एम कर इन पाचा ले जाए। तो मुंह से झूठा किया हुआ दूर की बात, हाथ से छू लिया वो भी नहीं चलता, अरे नेत्र दृष्टि पड़ गई तो भी कभी कभी चीज भावोच्छिष्ट हो जाती है। तो भक्ति में, प्रेम में, पूजा में इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब मर्यादाएं हैं। और वही राम शबरी के झूठे बैर खाए, रामचरितमानस में तो नहीं है लेकिन जो परंपरा से हम सुनते चले आए हैं उसमें, और सूरदास भी झूठे फल शबरी के खाए, तुलसीदास ने नहीं लिखा, तुलसीदास ने तो ये लिखा है कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। लेकिन सूरदास जी ने जरूर लिखा क्योंकि वो तो व्रज वाले हैं ना, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम विवस रघुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई तो भूल गए ठकुराई। उनमें से जैसे वो स्वामी पना निकल ही गया अपने भक्तों के सामने, उनके मध्य में जाकर बिल्कुल उनके जैसे, कभी तो उनसे भी थोड़े अपने आप को 20 ही दिखलाने का प्रयास, तो कि अगले को अपने मन में लघुता नहीं श्रेष्ठता का भाव बने। जैसे रामचरितमानस की हम कथा कहते हैं तो वो चर्चा चलती है ना कि भगवान ने, राम ने केवट के पास जाकर मांगा, नौका मांगी नाव, और उसी भगवान राम ने इंद्र से रथ नहीं मांगा, इंद्र से नहीं मांगा, विरथ रघुबीरा नंगे पांव रथ है नहीं और इस तरह से लड़ने के लिए प्रस्तुत है रावण के सामने, तो रावण तो रथ पर चढ़ करके आया, रावण रथी और विरथ रघुबीरा।
और इसमें से फिर वो धर्मरथ का सुंदर वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो इंद्र से नहीं मांगा रथ और केवट से मांगी नाव। इंद्र से मांगा होता तो वो एकदम वेरी हैप्पीली भेज देता, और केवट से मांगा नाव मना कर दिया। मांगी नाव न केवट आना। एक सीधे साधे साधारण आदमी का गौरव भी कितना बढ़ाते हैं राम, कि तू इतना बड़ा है कि मैं तेरे पास मांगता हूं, और मैं मांगता हूं इतना ही नहीं, तेरे में ये ताकत है, तेरे में ये सामर्थ्य है, तेरा तू ना भी कह सकता है। मांगी नाव न केवट आना। स्वामी होता है वो विनती करता है, क्या मांगता है। जैन परंपरा में मुनि लोग, हमारे भरत गुरु जी कहीं और कार्य में लगे हैं, तो वो थोड़ा जैन उसमें भी गए थे ना, वो उनको पढ़ाते थे, तो बहुत समझाते हैं कि भाषा और भाव के अपना थी हवे भोजन माटे जवाशे जवाशे हवे अपना थी खवाशे, मारे खाव छे एम नहीं कहेवानुं, હવે આપણાથી ખવાશે। અમારે એક સ્વામિનારાયણ વાળા અનુયાયી હતા, પછી મારી સાથે ગાડીમાં યાત્રા કરે ને, તો સાથે લીધું હોય ભોજન, તો ભોજનનો સમય થાય એટલે મને કે ભાઈ શ્રી હવે ભગવાનને ભોગ લગાવી લેશું આપણને। મેં કીધું બરાબર, આપણને ક્યાં ભૂખ લાગે, એ બેઠો બેઠો ભૂખ્યો થાય છે અંદર બેઠો બેઠો, અને એ જ કહે છે પચામ્યન્નમ ચતુર્વેદમ। મેં કીધું હાલો આપણે એને ભોગ, આપણને તો ક્યાં કઈ ખાવા પીવાનું હોતું નથી, આપણે તો નિરી નિચ્છા રહિત। તો ભગવાન અપના સ્વામી પના ભી એસે ભક્તો કે સામને ભૂલ જાતે હૈ। ન તસ્ય કશ્ચિત ઈષ્ટે કિંતુ સ સર્વસ્ય ઈષ્ટે। उसके ऊपर किसी का शासन नहीं और सबके ऊपर उसका शासन है, वह सबका स्वामी है। उसका स्वामी कोई किस तरह से हो सकता है। गीता में तो कहते हैं ना त्वत समोस्ति, आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई कैसे हो सकता है। ऐसे परमात्मा उनके समान भी कोई नहीं है, तो उनसे अधिक तो कोई कैसे हो सकता है। वह परमात्मा इंद्र से रथ नहीं मांगते तो उसमें भी कुछ कारण है, और केवट से नौका मांगते हैं तो उसका भी कुछ कारण है। बस यही इनकी लीला है, यही इनका खेल है। इंद्र से रथ नहीं मांग करके इंद्र की लघुता उनकी गुरुता को भगवान ने हर लिया, और केवट से नौका मांग कर केवट में जो लघुता ग्रंथि थी उसको भी भगवान ने मिटा दिया। वैद्य है, चर्चा हो रही है, वैद्य भी है वेद्य भी है, तो वैद्य के रूप में सबके रोग जो अपने आश्रित है अपने निज जन है उनके रोग को भगवान दूर करते हैं। दवाई अलग अलग है, एक से न मांग कर और एक के पास मांग कर। एक का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और दूसरे का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों को दूर कर दिया भगवान ने। तो केवट के सामने जब अब सबको तारने वाला, अरे वो तो तारता है, उनके भक्त भी तारने वाले होते हैं। अपने नंद कहता कि
अरे आवो भगत थियो अगली पाछली केटली पेढ़ी तारी दीदी। सतरती नारद भक्ति सूत्र में वो तरता है और वो तारता भी है, ऐसा भगवान का भक्त। नारद भक्ति सूत्र अधूरा रह गया नहीं, आप बधु अधूरुज रहे, पूरण नु कहीं पूरु थत नहीं, नाम ज पूरण है, नहीं लगत कहीं पूरण। कोविड के समय में नारद भक्ति सूत्र पर भी स्वाध्याय किया था, वो भी थोड़ा कितने सूत्रों के बाद फिर अधूरा है, तो सोचा है कि माथेरान के शिविर में वो आगे पूरा करना, नारद भक्ति सूत्र उसको आगे बढ़ाएंगे, माथेरान में शिविर है तो उसमें वो पूरा करेंगे। हमणा घणो बधु छे, तमारे क्या आवाय क्या नहीं आवाय तमे जाणो, तो माथेरान वाले शिविर में वो पूरा करने का भाव है कि वहां चर्चा करेंगे नारद भक्ति सूत्र पर, जो बाकी वाले सूत्र बाकी रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वो तरता है, वो तारता है, तो उसके भक्तों में भी ये सामर्थ्य आ जाता है। तो जिसका भजन करके ये सामर्थ्य भक्त में आया है वो भगवान, वो गंगा पार होने के लिए नौका मांगे, भूल गया स्वामित्व। सबको देने वाला वो बलि के पास जाकर के मांगे तीन पग पृथ्वी। तो जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, जहां भगवान का इस प्रकार का अनुग्रह है, तो वो भूल गए ठकुराई। अनीशा वैसे हम प्रारंभ में ओम लगाते हैं और फिर अंत में नमः लगा करके, जब वो योग्य विभक्ति लगा करके जब एक एक तुलसी पत्र अर्पण करते हैं तो एक एक नाम तब मंत्र बन जाता है, है ना। तो अनीशा, अब इसी नाम को मंत्र बनाना है, ओम अनीशाय नमः, तो मंत्र हो गया नाम और मंत्र। ओम अनीशाय नमः, हर मंत्र के ऋषि है और प्रत्येक मंत्र को जपने का अपना एक फल है, परिणाम है। अनीशाय नमः, ओम अनीशाय नमः, ये मेरे ख्याल से लास्ट वाले सेशन से या उसके पहले वाले सेशन से शिव रहस्य इत्यादि ग्रंथों के आधार पर ये मंत्र किसने जपा और उसने कौन वाली सिद्धि प्राप्त करी उसका भी साथ साथ हम दर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो पता चले भाई ये किसका ये विनियोग, कौन ऋषि है और किसने जपा, किसने सिद्धि प्राप्त करी, किसने इस मंत्र को सिद्ध किया वो जाने। और सच में हम भी यदि अनुष्ठान करना चाहें अलग अलग हेतु से, अलग अलग कामना से, इन नाम को, इन नामों को मंत्र में ढाल करके फिर उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। नाम संकीर्तन तो होगा, हम करते हैं विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ, लेकिन अनीशः ये हो गया नाम, लेकिन ओम अनीशाय नमः हो गया मंत्र। तो कहते हैं शिव रहस्य में कि सामास्य ऋषि थे एक, अब ये सब सुनते हैं तो ऐसे कई ऋषियों का नाम सुनने को मिलता है जो पहले कभी हमने सुना ही नहीं। तो सामास्य ऋषि ने इस नाम मंत्र का जप किया, इसलिए सामास्य इस मंत्र के ऋषि है और इस मंत्र के अनुष्ठान से उनको स्वावलंबिता प्राप्त हुई। अनीशः, कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई, स्वावलंबिता। इसलिए आप वैसे किसी के अधीन नहीं रहना चाहते,
ये अनिशा वाला जो जो अपना स्वामीपना भूल जाते हैं, वो भक्ति की दृष्टि से हमने ये अर्थ लगाया, ये भाव किया। बाकी तो अनिशा, वो जिसका कोई ईश्वर नहीं है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो स्वयं प्राणी मात्र का ईशः स्वामी है, वो अनिशः। तो इस महा इस मंत्र का जप करने से जो किसी के भी आश्रय में न रहे, किसी के आश्रय की जरूरत न पड़े, किसी की मदद की जरूरत न पड़े, ऐसी स्वावलंबिता इस मंत्र के अनुष्ठान से सामास्य ऋषि को प्राप्त हुई। अवे जेने आदत पड़ी गई हो इन्हें बैठा बैठा पानी लाओ जो चाय बनाओ जो, ये देखो यहां कितना गंदा है, पोतु मारो भाई पंख होकर तने नहीं कहते पंखो कर बैठा 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 इतनी परावलंबिता है। इसलिए वो जो हम बात करते हैं ना कि कभी कभी हम नौकर के नौकर बन जाते हैं, वो नहीं हो तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अनिशह एक अर्थ ही है कि भगवान मंदिर में जब होते हैं वैसे देखा जाए तो देखो अपना स्वामीपना भूल जाते हैं, तो मैं उठाड़ो तेरे उठे तमें सुबड़ा हो तेरे सुबे। वैसे श्री हरि सर्वसमर्थ है, सबके स्वामी है, उसका कोई स्वामी नहीं है, प्राणी मात्र के वो स्वामी है, लेकिन उत्सव के समय में हम भगवान को कहे प्रभु आज थोड़ा जागना पड़ेगा, तुम जिमाओ तो जिमे, तुम सुलाओ तब सुवे। बोलो मारू बेटू तमें नक्की करो छो कि भगवान आज कया वस्त्र पहेरवा, आज के दिन ठाकुर जी को कौन से वस्त्र किस माला धरानी है। अपने भक्तों पर अपने प्रभुत्व का प्रभाव नहीं आने देते, भक्ताधीन भगवान हो जाते अनिशा। तो ये भक्तिपूर्ण दृष्टि से हमने ये अर्थ लगाया। बाकी अनिशह का सीधा साधा जो अर्थ है वो तो जिसका कोई स्वामी नहीं और जो प्राणी मात्र का स्वामी है वो अनिशह। हम थोड़ा ये विस्तार कर रहे हैं अलग अलग भाव दृष्टि से अनिशह। तो वैसे ओम अनिशाय नमः, इस नाम मंत्र का अनुष्ठान यदि कोई करे इस भाव से तो स्वावलंबी बन जाए, किसी का आश्रित नहीं रहे, हर मामले में हर प्रकार से स्वावलंबी बने, किसी का आश्रित न होना पड़े, पोतानी रसोई पण पोते बनावी ले, पानी पोते लेने पी ले, मतलब छोटी छोटी बातें, इसको आप थोड़ा विनोद के अर्थ में लीजिएगा, लेकिन तात्पर्य यह है कि स्वावलंबिता आती है। यदि कोई करने वाला हो, सेवा करने वाला, आप सेवा ले रहे हो बात अलग है, पर नौकर मांदो पड़े न शेठाणी मांदा पड़ी जाए त्यां तकलीफ, पछी नौकर वगर ना चाले तो आपड़े नौकर ना नौकर थया। कोई साधन विना कोई वस्तु विना ना चाले तो आपने ना गुलाम थया। है तो ठीक है, मौज करो, आनंद लो, उसका उपयोग करो, लेकिन नहीं है और तुम एकदम मुरझा जाओ, अरे बाप रे अब क्या होगा, चिंता से ग्रस्त हो जाओ, वो गुलामी है। चाह मळे तो ही बराबर, न मळे तो बाधवन नहीं। अने जो बहु आपने एम लागत एक चा वगैरह हलतुज नहीं तो ओम अनिशाय नमः, इस नाम मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर दो। सामास्य ऋषि
एकदम स्वावलंबी हो गए, स्वाश्रित अनीशः, कितना प्यारा नाम है। एक एक नाम पे चिंता चिंतन करते हैं तो कैसे कैसे भाव निकलते हैं। उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः, उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः, अनीशः शाश्वतस्थिरः, शाश्वतस्थिरः, ये एक ही नाम, शाश्वत और स्थिर, ये दो मिलकर के एक नाम बनता है शाश्वत स्थिर। शाश्वत मतलब सतत और स्थिर मतलब अचल, स्थिर अचल, शाश्वत, शाश्वत सतत, शाश्वत का अर्थ वैसे इटर्नल, वो अविनाशी ऐसा भी होता है, नित्य। तो शाश्वत स्थिर, तो भगवान आद्य शंकराचार्य अपने हम विनोद माँ ने खूब आदर साथ शू कहता था, बापा शू कैसे जरा जोइए। शश्वत भवन अपि, शश्वत भवन अपि न विक्रियाम कदाचिद उपैति इति शाश्वत स्थिरः इति नामैकम्। ये दोनों शब्दों को मिलाकर के एक नाम बनता है। नित्य होने पर भी कभी विकार को प्राप्त नहीं होते, इसलिए शाश्वत स्थिर कहे जाते हैं। शश्वत भवन अपि न विक्रियाम कदाचित उपैति इति शाश्वत स्थिर। जो सतत बनता है, कुछ न कुछ रूप में प्रकट होता है, अनेक रूप धारण करता है, तथापि जो विकार को प्राप्त नहीं होता वो शाश्वत स्थिर। तो शाश्वत यानी सदा, नित्य, सर्वकाल में शाश्वत एव शाश्वत। जिस तरह बाल बाल एव बालक, उसी तरह शाश्वत एव शाश्वत। और स्थिर शब्द व्याकरण की दृष्टि से जो हमारे ये सब आचार्य समझाते हैं, ष्ठागति निवृत्तौ, उससे ये स्थिर शब्द बना है। तो शाश्वतश्चासौ स्थिरश्च, अर्थात सनातन अविनाशी इत्यर्थः। जो सनातन है, अविनाशी है, ऐसे परमात्मा शश्वत भवः, शाश्वतः। तो जो स्थिर है, अचल है, सतत अचल है। एक तो हर चीज शाश्वत नहीं होती, कभी कभी सतत होती है तो स्थिर नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती है, चांचल्य होता है। तो शाश्वत स्थिर, सात्वत तंत्र के अनुसार, सात्वत तंत्र के अनुसार, शाश्वत नहीं, सात्वत तंत्र के अनुसार महावक्षा ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और इस मंत्र को जपने से ओम शाश्वत स्थिराय नमः, इस मंत्र के, नाम मंत्र के जप से उनका चित्त स्थिर हो गया। चित्त को स्थिर करने वाला यह मंत्र है। और इन 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 सब नामों का कहीं ना कहीं वेदों में भी उल्लेख निकलता है, मिलता है। तो बताया गया है इसमें सात्वत तंत्र में कि यह मंत्र
ऋग्वेद में भी संकेतित है। ऋग्वेद में 2:41:10 देखा जाए, वेदों के जो हमारे ग्रंथ है उसमें ऋग्वेद में 2:41:10 तो ओम शाश्वत स्थिराय नमः ऐसा जपने से, इसका अनुष्ठान करने से चित्त एकदम स्थिर हो जाता है। भागवत जी में जिस तरह से वो गोपियां फिर भगवान में लग गया चित्त, उसका मन क्रीडास्तन्मयताम, ये वेणुगीत के बाद ही ना, वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयताम ययुः। अच्छा लग जाता है लेकिन फिर स्थिर नहीं रहता। कभी कभी मन लग जाता है लेकिन फिर वहां लगा नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति साधक की जहां हो तो महावक्षा ऋषि की तरह इस नाम मंत्र का यदि जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, ओम शाश्वत स्थिराय नमः। जब हम तुलसी अर्पण करते हैं एक एक नाम के साथ, भगवान शालिग्राम को, भगवान श्री हरि को, तब एक एक नाम का यह अर्थ समझते हुए तो पता चलता है ये इसकी दवा है, ये इसकी दवा है, ये इसकी दवा। अलग अलग बाटली में अलग अलग दवा, इमें होम्योपैथी हो तो खास लखव पड़े एक एक ना ऊपर, गोली बधी हरखी लागे और सब दवाई अलग अलग होती। तो यहां तो भगवान के अलग अलग नाम हैं और हर नाम का अपना अर्थ है, अपना भाव है और अपना परिणाम है। निश्चित रूप से अलग अलग उसका फल है। तो स्वावलंबी बनना हो तो जिस प्रकार ओम अनिशाय नमः, तो उसी प्रकार नित्य परमात्मा में हमारा मन सतत लगा रहे, लग जाए और लगा रहे। ओम शाश्वत स्थिराय नमः, सतत स्थिर रहे हमारा मन, और मन भी भगवान की विभूति है। इंद्रियाणां मनश्चास्मि, तो क्रीडास्तन्मयताम ययुः। कथा में भी कभी कभी ऐसा रस और फिर उसी समय हमारा ध्यान उसमें लग जाना कथा के साथ, तो एकदम मन लगा रहता है, फिर घड़ी को देख लिया और मोबाइल को देख लिया। आजकल सारी डिस्टर्ब करने वाली चीजों को हम साथ लेकर के कथा सुनने जाते हैं, बच्चों को भी, मोबाइल को भी, सखी को भी, देरानी जेठानी को भी। तो शाश्वत स्थिर परमात्मा की कथा जो हमारे चित्त को शाश्वत स्थिर कर सकती है, नहीं हो पाता। तो सतत स्थिर, सातत्य और स्थिरता, ये दोनों रहे। अतः तो कभी स्थिर हुआ फिर नहीं रहा, तो सतत स्थिर रहे भगवान में मन, वो गोपियों का हो गया भाई। उसको तो घर के कामकाज करने के लिए मन को हटाना पड़ता था, इन्हीं नामों का जब हम संकीर्तन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो एक एक कथा में जो सुनी हुई बातें हैं उसका भी स्मरण हो रहा है कि नहीं, कि वो गोपी नाक पकड़ करके बैठी थी जमुना जी के तट पर, यूं मटकी लुढ़की हुई थी और गोपी बैठ करके, अब आप सोचो गोपी और योग कर रही है, भस्त्रिका और भ्रामरी
और अनुलोम विलोम जमुना जी के तट पर गोपी कर रही है यूं कर। तो देवर्षि नारद वहां पर पहुंचे तो नारद जी को तो बड़ा देख करके आश्चर्य हुआ, बाबा रामदेव जी के शिविर में गई थी क्या? नाक पकड़ करके बैठी है, क्या कर रही है? तो नारायण नारायण करके वीणा को जंगरित किया तो गोपी के नेत्र खुले, देवर्षि नारद को सामने देखा, प्रणाम किया, क्या कर रही थी? प्राणायाम करके मन को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? कहते ना मन काबू में आता है इससे, हाँ आता है, तो मेरा नहीं है, कृष्ण में ही वहीं चला जाता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, अपने मन को काबू नहीं कर पाती, कृष्ण से वापस खींच नहीं पाती, तो मैं जरा कंट्रोल कर रही थी कि कृष्ण की ओर न जाएं, उल्टा है, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार, ब्रज में सब उल्टा ही है। क्यों? बोले उसका मन सतत स्थिर है श्री कृष्ण में, सतत स्थिर है। तो जो सतत है और स्थिर है, अचल, वो शाश्वत स्थिर, लेकिन उस शाश्वत स्थिर में हमारा मन सतत स्थित हो, कठिन काम है, कठिन बात है, लेकिन ओम शाश्वत स्थिराय नमः, इस नाम मंत्र का अनुष्ठान किया तो महावक्षा ऋषि, उसको जिस तरह से सिद्धि प्राप्त हुई, मन भगवान में लगता है, लगा रहता है। जो शाश्वत है, इसलिए वही था, वही है और वही रहेगा। वासुदेवो वा इदमग्र आसीत, श्रुति कहती है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण, भगवत गीता कहती है, एको नारायण आसीत न ब्रह्मा नेशानो नाग्नि शोमौ नेमेद्यावा पृथ्वी। एको नारायण आसीत न ब्रह्मा न च शंकरः सच्च मुनिर्भूत्वा समचिन्तयत् तत एते व्यजायन्त विश्वो हिरण्यगर्भोऽग्निः यमो वरुणेन्द्राः अमुक तो संस्कृत बोलिए ना तो जीभ गोटो बढ़ी जाए, रुद्रेन्द्राः रुद्र इंद्राः वरुण रुद्र इंद्राः वरुण रुद्रेन्द्राः, कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नारायण अलोन, वही था, वही इन सब रूपों में है और वही रहेगा शाश्वत स्थिर अचल। सब अलग 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 रूप चाहे ले ले, वो सूर्य बने, वो चंद्र बने, वो वरुण बने, वो अग्नि बने, वो इंद्र बने, वो जो भी रूप बना ले, वही अपने आप को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करने के बावजूद अचल है, अविकार, विकार रहित इस तरह का है, वह कभी विकार को प्राप्त नहीं होता, शाश्वत स्थिर। तो ऐसे परमात्मा में सतत मन स्थिर रहे, लगा रहे, इसलिए ओम शाश्वत स्थिराय नमः, यह नाम मंत्र का अनुष्ठान, आने माटे आ गोली लेवी, आने माटे आ गोली लेवी। मारा पिताजी हता ने पछी मुंबई में दवा बजार में काम करता,
पछी गामडे आवे दो हफ्ते के लिए तीन हफ्ते के लिए, तो वो जो सैंपल की दवाइयाँ होती थी ना, क्योंकि वो पूरे भारत में घूमते थे फिर, तो वो ले आते थे दवाइयाँ साथ में, और दवाइयों के ऊपर लिखा रहता था माथू दुखवानी गोली, पेट दुखवानी गोली, ताव आवानी गोली, जो लिखी राखता अने एमां ते पाछो ये दवा ऊपर लिखी राखता नहीं आडोळो न थाय। अने पछी अमारा माँ दादी माँ थोड़ा बे चोपड़ी भणेला, पछी बापूजी जता रहे ने, पछी गामडामां तो डॉक्टर नहीं, तो पछी लोकोने खबर ने एटले दवा लेवा आवे, आवुं सामान्य रीते न कराय, પણ મને ગામડામાં શું કરવાનું, એટલે એમ કે માથું દુખ્યાની ગોળી આપો ને, કે તાવ આવ્યાની ગોળી આપો ને। અબ આપ ભી હમ લોગ ભી અપને ઘર મેં રખતે હી હૈ, કુછ દવાઈયાં રખતે હી, હમકો પતા હૈ કે ભાઈ બુખાર આ ગઈ તો યે લે લો, ક્યા હૈ ડોલો ડોલો, કે ભાઈ सर्दी हो गई है तो ये वाली दवाई खा लो, ये वाली दवाई खा लो। तो एक प्रकार से वो एक सेवा हो जाती थी और वो छोटा सा दवाखाना हो गया था। त्यारे आ बधा कायदा एटला बधा कड़क नहोता, एटले आवी अत्यारे तो आवी सेवा करवा जाइए तो दंडाइए, एना माटे तो कायदेसर नो मेडिकल स्टोर होवो जोईए अने त्यां फार्मासिस्ट बैठेलो होवो जोईए डिग्री वालो, एमने न थाय। तो ये सब जो नाम मंत्र है वो इसकी दवाई है, ये इसकी दवाई है, ये इसकी दवाई है, इस तरह से आप ले सकते हो। नाम औषधि भी है, हम चर्चा करते हैं ना, नाम औषधि है, नाम अमृत है, नाम आसव है। औषधि भी है, राम नाम की औषधि करी रीति से खाए। तो कौन सी समस्या में कौन सिद्धि के लिए कौन नाम मंत्र, इसको नाम को मंत्र बना करके जपना चाहिए, ये वाली बात है। विष्णु सहस्र नाम से ये सब अलग अलग अलग, तो 1000 मंत्र है नाम मंत्र, और सभी नाम मंत्र की अलग अलग सिद्धि है। तो महावक्षा ऋषि ने इस नाम मंत्र का जप करके अनुष्ठान करके अपने चित्त को भगवान में सतत स्थिर कर दिया। गोपियों के लिए वो स्वाभाविक था, इसलिए तो गोपी की इतनी महिमा है कि उसका तो मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। घर का कामकाज करने के लिए भी मन कृष्ण से हाथ जोड़, थोड़ी देर दे दे, वापस लौटा दे, वापस कर, ताकि मैं घर का काम ठीक से कर सकूं। એટલે ભાગવતમાં તો પછી આપણે ગામડામાં ભજનના માધ્યમથી આ વસ્તુ બહુ સરસ રીતે કહેવાની, ખીચડી બનાવું છું અને ખાંડ ખાઈ જાય, ગુજરાતીઓની વાત અલગ છે, ગુજરાતી ખીચડીમાંય ખાંડ ખાય છે, સાકર નાખે। એક જગ્યાએ અમે અમેરિકામાં થે કહી તો ખીચડી બનાયા તો ખીચડી મીઠી મીઠી લગી અમકો, તો અમને સોચ્યું એ ક્યા હૈ, તો બોલે ખીચડી હૈ, બોલે હમ તો ખીચડી મેં શક્કર ડાલતે હૈ, ખીચડી કઢીમાં થોડી ગળી ગળેષ્ટી હોય ખટ મીઠી તો ગમે, ખીચડીમાં ખાંડ, તમે શું કરો ભજુભાઈ તમારે ત્યાં ખીચડીમાં ખાંડ નહીં ને, તો મારે પછી જ્યોત્સનાબેનને કેવા થાય ને કે તો તમે ખીચડી બનાવો, શક્કર ડાલી તો મતલબ બઢિયા વાલી શક્કર ડાલી હતી, औषधि भी है, ये अमृत भी है और ये आसव भी है। तो औषधि के रूप में सेवन करो तो अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए और अलग अलग प्रकार की सिद्धि के लिए ये नाम है। चलिए पाठ करिए। अनीश शाश्वत स्थिर, भूषयो भूषणो भूतिर, भूषयो भूषणो भूतिर, भूषयः
भू पृथ्वी, उसके ऊपर शयन करने वाले भूशयः, भूमि पर शयन करने वाले, शुरू शुरू में जब हम कथा करते थे तो जरा बोलो ताजो वटेलो मुसलमान हो ने तो ये छ छ नमाज पढ़े, नहीं तो पांच जो है पर पोताने वधारे पड़तो मुसलमान बतावा माटे थी ने एक छ छ वार कट्टर। तो हम ताजे ताजे कथाकार थे बने थे तो भागवत के महात्म्य में जो लिखा था तद अनुसार वही पत्रावल्यम च भोजनम, एक समय भोजनम और भूमि शयनम ये करते थे। यजमानों आटली बिचारे तैयारी राखी हुई पण पछी मैं चटाई मगावता नहीं आ नहीं चटाई लाओ, जेम गांधी बापू ने पछी बकरी बकरी नो दूध घनी वार अपनी हादगी ते हमें वाला मूंगी पड़े हाँ घना नी हादगी बहु एक्सपेंसिव है। जैसे कि खादी के कपड़े अच्छी बात है वैसे, हवे स्त्री न करावो तो वांधो नहीं, हाउ जेम तेम तमारे पहले करवो है तो पड़नो नहीं, तो खादी ना कपड़ा स्त्री वगैरह इतना हरा न लगे नहीं, स्त्री मारो बेटो भाई અને એકવાર પહેર્યા પછી વાત પૂરી। અને એમાંય તમે આ ખાદીના કપડાં લઈને અમેરિકાની એક મહિનો યાત્રા કરો અને ન્યાન આપ વોશિંગ મશીનમાં નાખો, ત્રણ વાર નાખો એટલે એ એવું પહેર્યા જેવું રહે નહીં। ત્યારથી મેં અમેરિકામાં ખાદીના કપડાં લઈ જવાનું બંધ કર્યું, આ તો હાથે ધોઈ લ્યો પણ મશીનને તો ના જ આપો। तो सादगी भी कभी कभी एक्सपेंसिव होती है। तो हम नए नए बने थे कथाकार तो बड़े जोर से लगे हुए थे, तो भूमि शयन करते कि चटाई मगाओ ओशी को, नहीं 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 भुजान ओशी को, अरे हमारी जमावट नू हूं कहू और इसके लिए मुझे अभ्यास है कि यदि तकिया ना हो तो आज भी मैं इसके आधार पर अच्छे से सो सकता हूं, अभ्यास है। आज भी भूमि पर शयन करने को मिले तो कोई समस्या नहीं, वो अभ्यास। पण हवे पछी जेम 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 तमे आगळ वधे ने पछी थोड़ी स्पीड ओछी थती जाए, पछी कथा महीनानी बे बे थवा मांडी ने क्यारेक त्रण त्रण थवा मांडी, एटले पछी एम थयो के आ माळू कायम नो थयो एटले पछी नियमोमां पण આપણે પોતે જ છૂટ મૂકવા માંડીએ ઉદારતાપૂર્વક। તો ભગવાન ભૂશયઃ, ભૂમિ પર શયન કરને વાલે। આદ્ય શંકરાચાર્ય ભગવાન ને તો વો રામાયણ કી ભગવાન રામ કી લીલા કા ઉલ્લેખ કિયા હૈ યહાં પર, ઓર કહેતે હૈ लंकां प्रति मार्गम अन्वेषयन सागरम प्रति भूमौ शेत इति भूशयः। लंका के लिए मार्ग खोजते समय वहां समुद्र तट पर पहुंचे तो उस वक्त समुद्र को मनाने के लिए वो भूमि पर सोए थे। नाथ तुम्हार कुल गुरु जलधि, विभीषण ने जो उपाय सुझाया और तदनुसार भगवान ने वहां दर्भ बिछाए और तीन दिन तक अनुष्ठान किया, भूमि पर ही शयन किया। पूरी वन की यात्रा में वैसे भूमि शयन है। अरे राजा बनने के बाद भी सीता जी का जब अयोध्या से निर्वसन हुआ, चली गई वन में, तो उसके बाद राजमहल में रह करके भी भूमि शयन श्री राम भूषय। ये रामावतार के बाद
कृष्णावतार में भी क्या कृष्ण ने भू शयन नहीं किया? सखाओं के साथ जब बछड़े चराने जाते हैं या गाय चराने जाते हैं, बछड़ों के छोटेपन में तो जाते हैं बछड़े चराने सखाओं के साथ, तो कभी कभी एकदम गाढ़े पेड़ घेगुर वटलो हो कि बीजू कोई जाड़ू हो, अने बपोरना समय में एमा थी ओलो सूर्यनो प्रकाश चंद्रना रूपे थोड़ो थोड़ो पड़तो हो, तो वो देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते थे वहां भूमि पर अलोटवा मांडे। आज भी रमन रीति में जिस तरह से हम लोग लेटते हैं भूषया, या तो सा पृथिव्यभवत् तस्याम अश्राम्यत्, पृथ्वी में विश्राम किया, ये ऐसी श्रुति एक है, ऐसी मिलती है। सा पृथ्वी पृथ्व्यभवत् तस्याम अश्राम्यत्, या तो भूहु शेते यस्मिन्, पृथ्वी जिसमें सो जाती है। एक समय आता है भाई कि पृथ्वी भी प्रलय हो जाता है ना, तो पृथ्वी जल में, फिर जल तेज में आदि आदि करके सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाता है ना, तो पृथ्वी प्रभु के अंदर सो जाती है। भूषया, अच्छा, भवति इति भूहु भवन धर्मा, भू धातु सत्ता के अर्थ में है। भवन धर्मा का मतलब है बनने वाले, होने वाले, थवा वाला, सत्ता वाला, ये है, ये पर्वत है, ये नदी है, ये गाय है, ये भैंस है, ये देव है, अनेक रूपों में होने वाले भू सत्तायाम भवति इति भूहु। तो जो भवन धर्मा हैं तेषु भूषु, यानी सत्तावत्सु, जिन जिनकी सत्ता है, जिन जिनका एग्जिस्टेंस है, जिन जिनका अस्तित्व है, उनमें शेते, उनमें शयन करने वाले हैं, इसलिए भूषया। जो उन सब में वो है, वास्तविकता यह है कि उसके चलते ही सब है। जो चेतन है कि ये मनुष्य है, कि ये पशु है, कि ये पंछी है, कि ये कीटक है, उन सब में वो अंतर्यामी रूप से है। और जिसको हम जड़ बोलते हैं उसको भी हम कहते हैं ना कि वो, जिसको हम जड़ कहते हैं वो हकीकत में सोया हुआ चैतन्य है, सोया हुआ चैतन्य है उस रूप में। तो जो बना है उसके भीतर जो शयन करते हैं, तेषु भूषु सत्तावत्सु शेते इति अंतर्यामी रूपेण वर्तते इति भूषयः विष्णुः। क्या 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 विद्वानों ने भाव निकाले हैं, भूषयः। तो ये जो भी जड़ चेतन रूप अस्तित्व है, बना है, ये हुआ है भूसत्तायाम, उन सब में ये शयन करते हैं, रहते हैं। तो जिसको हम चेतन बोलते हैं उसमें भी वो है, और जिसको हम जड़ बोलते हैं, इसलिए हम जो प्रहलाद अवतार, नरसिंह अवतार की कथा करते हैं तो ये कहते हैं ना कि जो स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो इसका तात्पर्य यही है कि हिरण्यकशिपु को वो स्तंभ जड़ दिखता था, लेकिन प्रहलाद जी को उसमें सोए हुए चैतन्य का दर्शन हुआ।
तो जिसको हम जड़ कहते हैं वो वास्तव में सोया हुआ चैतन्य है। तो वो है अस्तित्व भू सत्तायाम, उसमें वो शयन करता है। अतः भूषयः तो पृथ्वी हो, पवन हो, पानी हो, पर्वत हो, जड़ हो, चेतन हो, उन सब में यह नारायण तत्व परमात्म तत्व विद्यमान है। उन रूपों में वही बना है और उसमें वही रहा है। भूषयः, ये भी अर्थ होता, भूमि पर शयन करने वाला, वो तो अर्थ है ही है, वो सामान्य अर्थ है। लेकिन भूषयः, जिन जिन का अस्तित्व है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उन सब में वो रहा हुआ है, व्यापक है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। वृंदावन में भी बछड़े चराते गाय चराते समय सो जाते हैं जमीन के ऊपर, वहां की वालुका में बैठना और सोना भी इतना सुखप्रद है। हम लोगों ने जब वो ब्रज 84 परिक्रमा लगाई थी, कोई संकोच ही नहीं होता था, उल्टे मजा आता था, उसी में सो जाते थे, रेती में वहीं बैठ गए, भोजन पा लिया, वहीं बैठ गए, प्रवचन शुरू हो गया, ये सब होता था, उसी में नहाते थे। जब संकीर्तन करते हुए चलते थे तो ब्रज रज उठती थी, उसी में नहाते थे। इसलिए तो मैं वो विनोद में कहता रहता हूं कि जब वहां पहुंचते थे शिविर तक, तो जाड़ जुड़ करके धूल बुल को हटाते थे, तब पता चलता था, ओह गीता दीदी जय श्री कृष्ण, तो उसमें से गीता दीदी निकलती थी। तब तो वो नहीं थी वहाँ, लेकिन तब पता चलता था कि ये है। એટલે હવારના પહેલેથી દોતી રાખવાનું રહેતું હતું કે લાલ હાડી પહેરી હોય એ ઓલો સમજતો હતો કે એ આપણી, બે જણા આવ્યા હતા જ્યાં પતિ પત્ની, તો સ્નાન ભી ઉસી મેં, તો ભગવાન ભી એ તો કરે, ધૂલિ ધૂસરી તાંગસ્ત્વમ પુત્ર મજ્જનમાવહ। और व्रजरज जब लग जाती है तो इसमें कोई मुंबई में फुटपाथ पर लंबे होकर के जरा आप सो और फिर जो कुछ कपड़े वपड़े तुम्हारे चेहरे पर जो भी लग जाए, तो नायक गंदा हुआ है तू। और व्रजरज में चाहे गुरु को दंडवत करते समय, किसी ठाकुर जी के मंदिर में जाकर दंडवत करते समय वो व्रजरज लग जाए इधर उधर नाक पे कपड़े पे, तो वो श्रृंगार बन जाती। वहां कोई ये नहीं कहता कि गंदे हो गए हो तुम, नहीं, वो श्रृंगार बन जाती है। वो रेती जो यहां लगी है, यहां लगी है धूल, तो वो धूल श्रृंगार बन जाती है। भूषयः, मधुरा भक्ति वाला एक अर्थ और बताएं। भू रूपया रमया महालक्ष्म्या सह शेते इति भूषया। भूदेवी, भूदेवी श्रीदेवी लीला देवी त्रिपति है, तो पृथ्वी की प्रार्थना से जो गोरूप धारिणी बनकर के गई थी पृथ्वी ब्रह्मादि देवताओं के साथ साथ और प्रार्थना करी थी, भार बढ़ गया है दुष्टों का, कृपा करो पधारो,
जिसकी पत्नी के पास उसका धनी, उसका स्वामी, उसका पति नहीं है तो उसके ऊपर सब डोरे डालते हैं, वो फिर असुरक्षा भी अनुभव करती है, अपने आप को असुरक्षित अनुभव करती है। तो पाति इति पति ही, आप पधारो। तो भगवान आए पृथ्वी पर, भूधरा पर, भूतल पर अवतरित हुए। तो उस भूरूपिणी अपनी पत्नी, मां लक्ष्मी का एक रूप है समझो, तो भूरूपया रमया सह शेते इति भूषया, अपने उस अर्धांगिनी अपनी पत्नी उसके साथ शयन करते हैं। भूषया, एक मधुरा भक्ति वाला भाव लिया जाए तो ये इसलिए जब ठाकुर जी लीला संवरण करते हैं द्वारकाधीश प्रभु और पीपल के वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर इसके तने को अढ़ेल कर पीठ से और पग के ऊपर पग चढ़ाकर चतुर्भुज नारायण जब अंत समय में है और जब अपना लीला शरीर तिरोधान करते हैं धराधाम से, तो जैसे कोई, अब इसको लौकिक अर्थ में नहीं लेकिन दृष्टांत केवल लौकिक है, इसको आप अलौकिक ही बात समझें कि अंत समय में जिस तरह से पत्नी की गोद में सिर रख करके राजा दशरथ ने प्राण छोड़े थे, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। इस तरह से कई जगह होता है, कई माताएं कहती है कि बस मेरी गोद में उनका सर था, बस उस दिन सुबह तो हम गंगा नहाए, उन्होंने मंदिरों में दर्शन किया है, 10:30 के बाद उनकी तबीयत जरा खराब होना शुरू हुई, डॉक्टर आए कुछ किया लेकिन नहीं बचा पाए, मेरी गोदी में ही उनका सर था और बस प्राण त्याग दिए। ये लौकिक बात हुई और प्रभु द्वारकाधीश प्रभु जब लीला संवरण करते हैं तो वैसे भले ही कोई नहीं था लेकिन वो थी। वही आधे अढ़ेल करके जैसे सोए थे, नहीं पत्नी यूं पकड़ करके रखती है, आधा शरीर यूं आधा लंबा, इस भूमि की प्रार्थना से ही आए थे, ऐसी दिव्य लीला करी, इसी पर शयन किया। भूरूपया रमया सह शेते, और फिर जैसे इसी की गोद में लेटे हुए, आधे लेटे हुए लीला संवरण कर लिया। भूषया, शब्दार्थ के रूप में देखे तो एकदम सरल बात है, तुरंत निकल जाएंगे आगे और छठवां सत्र क्यों करना पड़े, 11 दिन के एक ही सत्र में 1000 नाम आराम से हो सकते हैं, केवल इस छोटी वाली पुस्तिका के अनुसार चलें। शॉर्ट में समझा दिया गया है अर्थ, भूषया। लेकिन आचार्यों टीकाकारों इसके ऊपर चिंतन करने वाले अनेक चिंतकों के
और कथाओं के भावों को मिला करके जब चलते हैं तो एक एक नाम के कितने भाव, कितने अर्थ, कितने चित्र बनते हैं। भूषया, कुछ मन ऐसा हो गया भूषयो, भूषणों। अच्छा, इसके नाम मंत्र के ऊपर भी तो विचार कर लें। भार्गव तंत्र के अनुसार सर्वप्रथम शीलधारी ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा, ओम भूषयाय नमः। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी हम पाठ करते हैं और विष्णु सहस्त्र नामावली भी है, तो एक एक नाम के साथ जब एक एक तुलसी अर्पण करते हैं तो इसी तरह से एक एक नाम मंत्र के साथ हम तुलसी अर्पण करते हैं। तो नाम मंत्र क्या बन जाएगा? ओम भूषयाय नमः। शीलधारी ऋषि ने इस नाम मंत्र का जप किया और इसको जपने से उनको मुक्ति, समाधि की प्राप्त हुई। तो यह मंत्र मुक्ति प्रद है, ऋग्वेद में भी इसका संकेत है, इस नाम का 8:7:15। जरा इसके ऊपर जरा देखना, इस मंत्र को जब मैं कहता हूँ, नंबर देता हूँ तो थोड़ा सा देखते रहना, ताकि स्वाध्याय, ये स्वाध्याय है तो आप लोग को और होमवर्क भी मिले। आप लोग जरा देखना, अपने पास ग्रंथालय में सब ग्रंथ ही हैं। तो 8:7:15 में ऋग्वेद में यह नाम संकेतित है। तो उस मंत्र में, ऋग्वेद में कहीं ना कहीं इस नाम का संकेत मिलेगा। तो भार्गव तंत्र के अनुसार इस नाम मंत्र का जप करके शीलधारी ऋषि मुक्ति को प्राप्त हुए, समाधि को प्राप्त हुए, जो कहो। तो जिनको ये वाली सिद्धि चाहिए वो इसका जप करे। अब व्याकरण की दृष्टि से जो विद्वान अनेक सब अर्थ बतलाते हैं, वो सब अर्थ तो मैं यहाँ नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए हो सकता है थोड़ा कठिन भी हो जाए, अपने लिए कठिन हो जाए और इतना समझ में न भी आए, लेकिन अर्थ अभी और भी है बहुत। भूषयः, हम लोग थोड़े भाव जगत के लोग हैं तो भावनात्मक दृष्टि से जो अर्थ है उसको जरा ज्यादा हम स्पर्श कर रहे हैं। वैसे तो वो क्या है, महोदधिशयोंत कहा, महोदधि में महोदधिशय है, क्षीर सागर शय, ऐसा बोल सकते हैं, महोदधिशय क्षीर सागरशय। तो वैसे तो महोदधि में शयन करने वाले हैं, लेकिन जब भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, देवता प्रार्थना करते हैं, गो रूप धारिणी पृथ्वी प्रार्थना करती है, तो जो महोदधिशय है वो अवतरित हो करके राम रूप में या कृष्ण रूप में भूषय भी हो जाता है। ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की लीला। कहां तो महोदधिशय, शेषनाग की वो पथारी,
लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, नाभि कमल में ब्रह्मा स्तुति पाठ कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, और कहां वो वाला शयन। और यदि वो वैकुंठ वाले नाथ है तो वैकुंठ का ऐश्वर्य, वहां भी महालक्ष्मी उनके साथ, तो कितनी सुविधा में वैकुंठ में शयन करने वाले। वो जब भक्तों की प्रार्थना से यहां पर आ जाते हैं तो सीधे भूषया, ये भक्ताधीन भगवान लगता है स्वामी है अनीशा भूषय भूषण। आगे वाले नाम का विचार करें, सर्वलोकानां भूषणत्वात् भूषण, सर्वलोक के आभूषण हैं यानी शोभा रूप है इसलिए भूषण, भूषयति इति भूषण, जो सबको शोभित करता है वो भूषण है। तो भगवान ही देखो, भगवान से हम लोगों की शोभा है कि नहीं। अब भाई जहां जाए वहां सब व्यवस्था हो जाती है, अरे आ गए आ गए आ गए, ये होता है, रास्ता दो रास्ता दो, नहीं हम तो चरण स्पर्श करेंगे, ये सारी शोभा ये सारी महिमा ये किसके चलते हैं? भगवान के चलते। एक भक्त है, तिलक लगाया है, गले में कंठी माला धारण करी है, हाथ में एक जप माला है, तदनुसार उसने वस्त्र पहने हैं, और देखते ही पता चल जाता है कि ये वैष्णव है, तो सब लोगों का उसके साथ व्यवहार जय श्री कृष्ण से शुरू हो करके एकदम शालीन ही रहेगा। ये शोभा ये तुम्हारी महिमा ये तुम्हारा सौंदर्य कैसे बढ़ा? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं संबंध हमने भगवान से बनाया, इसलिए ना, इसलिए तो हम क्या करते हैं, वगर पैसे वर्ल्ड टूर करिए अनुकारण। भगवान से भागवत जी से जो नाता जोड़ा है तो वही हमारी शोभा है, वही हमारा सौंदर्य है। तो प्राणी मात्रों प्राणी मात्र को शोभित करने वाले सर्वलोक के आभूषण भूषण, हम सबके भूषण, उन्हीं से हम भूषित है, और भक्तों से भी विभूषित है वो। सभी पदार्थों में फूलों में जो सौंदर्य है प्रभु से है, बहती नदी का सौंदर्य, पहाड़ों का सौंदर्य, बर्फाच्छादित पहाड़ों का अपना एक और उसकी छटा, पेड़ों पेड़ों की छायाएं, चलती हवा में झूमती डालियां, आकाश में उड़ते पंछी, गर्जना करता समंदर, गीत गाते पंछी, कितना सुंदर है ये सब। और फिर वो वाला गीत कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, हर चीज कितनी सुंदर बनाई है, अद्भुत बनाई है। भूषण, and that's why someone said beauty is the special mark of God, परमात्मा का वो, परमात्मा ने की हुई विशिष्ट निशानी वो है सौंदर्य। तो भगवान अनेकों बार अवतार लेकर के भगवान ने इस भूमि को भी सुशोभित
कर दिया। गहना बन गए धरती का, आभूषण बन गए। और आभूषण से सौंदर्य बढ़ जाता है जैसे व्यक्ति का, तो भगवान के आने से भूमि का, ब्रज का सौंदर्य बढ़ गया। जयति ते धिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वद दैत दृश्यता दिक्षुतावका स्त्वयि धृता सव त्वाविचि। उतारते हैं आभूषण, रखते हैं तो भी सावधानी के साथ। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो व्याकुल हो जाते हैं, अरे कहां गया मेरा वो, मैंने अपना नेकलेस यहीं रखा था। तो जिनसे हमारी शोभा है वो खो जाए तो भूषण। ब्रज भूमि की महिमा बढ़ गई भूषण रूप श्री कृष्ण के अवतरित होने से। इस धराधाम की महिमा हो गई श्री रामचंद्र के आने से। नानु सरघो गोकुड़ियों मारे ए वाले वही कुठ की धूरे। नानु सर नानू सरखु गोकुल यू मारे वाले वैंकुट की धूरे। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजह व्रजह ते जन्मना अधिकम जयति। शोभा बधी गई यानी महिमा बधी गयो भूषण। इसलिए कोई परिवार में भी ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसा आदमी, तो उसको हम कुलभूषण कहते हैं। कुलभूषण नाम ही हो, कुलभूषण खरबंदा। कुलभूषण वाणी भी जब उसका गान करने लगती है उसके नाम का, उसकी कथा का, तो वाग्भूषण वाणी की भी शोभा बढ़ जाती है। जब भगवान की कथा होती है, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, वाग्भूषणम भूषणम। भूषण इसलिए इस अर्थ में श्री कृष्ण को, राम को रघुकुल भूषण, कृष्ण को यदुकुल भूषण भूषण। भूहु, अब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा लेकिन सुन लो, भूहु पूर्णो क्षणौ चेष्टानंदौ यस्य इति भूषण। भू मतलब पूर्ण, चेष्टा और आनंद, अण अणश्च निर्वृतिवाचक। जिस की चेष्टा और आनंद पूर्ण है भूषण, ये बिल्कुल अलग से ही हट करके अर्थ, जिसकी चेष्टा पूर्ण है और जिसका आनंद पूर्ण है,
आनंद आयो पण एटलो नहीं, अपने नहीं क्या आनंद आया, उतना नहीं, कुछ अधूरा रह गया। क्या आप गए थे कथा में आनंद आया? आया, उतना नहीं। आप गए थे उस कार्यक्रम में आनंद आया? आया, उतना नहीं। आपने इतना कुछ उनके लिए किया? हाँ वो तो किया, लेकिन हमको संतोष नहीं हुआ। चेष्टा भी अपूर्ण, आनंद भी अपूर्ण। और भू क्षण, भू पूर्ण क्षण चेष्टानंद, होता है ना आचार्य, ऐसा होता है चेष्टानंद, ऐसा अर्थ है इस। हाँ ऐसा है ना, एकाक्षर कोश से अर्थ लिया गया है, एकाक्षरी जो कोश है। हाँ एकाक्षरी कोश से लिया है ये अर्थ। यहाँ एक एक अक्षर के नाम है, जैसे कम ब्रह्म, कम जलम, इस तरह से क, क ब्रह्मा भी है, ब्रह्म भी है, क मतलब जल भी होता है, क से और कितने भी अर्थ होते हैं, ये तो हमारे ये सब साहित्यकार और व्याकरणाचार्य जानते हैं। सुखम, कम सुखम, कम सुखम, क मतलब सुख भी होता है, जैसे कम सा, कम सुखम स्यति इति कंसः, सुख का जो नाश करे वो कंस, ऐसा अर्थ। व्याकरण भणवानी आज तो मजा से शब्द वातु करे, शब्द वातु करो, शब्द पोते पोते जात ने खोले। तो एकाक्षरी शब्द कोश से ये लिया है, ठीक है। तो भू यानी पूर्ण, पूर्णव क्षणव चेष्टानंदव, जिसकी चेष्टा जिसका कर्म परिपूर्ण है और जिसका आनंद परिपूर्ण है। न तो हमको अपने कर्म से संतोष है, न तो हमारा आनंद, आनंद भी हमारा अधूरा अधूरा है। लेकिन जिसकी चेष्टा जिसका कर्म और जिसका आनंद पूर्ण है, भूषण, भूषणानि अस्य संति इति भूषणः, भूषण इनके हैं, आभूषण वाले हैं। थकना घरेणा धारण करिन बाय प्रतिवंजनी है, हुंडलो घरेणा सुखी गरनी लक्ष्मी, हुंडलो घरेणा मत है न किन प्रतिव। और जो सुखी परिवार के लोग हैं उनकी पत्नी को ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो कई लोगों को होता तो बहुत है लेकिन दिखाते नहीं है, पत्नी को भी पहनने नहीं देते, सब बैंक के लॉकर में पड़ा रहता है। भूषणानि अस्य संति इति भूषण। कभी कभी आप श्री हरि का दर्शन करते हो तो आपको नहीं लगता केटलो बधु, एटलू बधु भार नथी लगतो। कभी कभी श्री हरि का दर्शन करके ऐसा होता वजन नहीं लगता, इतने सारे भूषण। वैजयंती बरहापीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो अधर सुदयापूरयन। और सभी आभूषण के अलग 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 नाम, आई कुंडल ने, आई ने, आया ने, हड़पचिए हिरलो जग मगे एना तेज तणो नहीं पार। अटलू बधु चरण में है, यहां यहां
कर में है, उंगलियों में है, उसमें भी कहीं ये लटक रहा है, वो लटक रहा है, इतना इतना लटक रहा है कि भक्त लोग दर्शन करके लटक जाते हैं। भूषण भूषणानि अस्य संति, ऐसा भी एक अर्थ है, आत्मा रूपः, आत्म रूपः, शरीरिणाम आत्म रूपः, आत्मत्वेन भूषणम्। आत्मा ही शरीर का भूषण है, क्योंकि शरीर में जब तक वो चेतना होती है, आत्मा होती है, तब तक शरीर सुंदर लगता है ना। तो सबकी आत्मा तो श्री हरि ही है, सबकी आत्मा का नाम श्री कृष्ण है। वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पूर्वार्ध में जब भगवान की लीला का गायन कर रहे थे सुखदेव जी, तो राजा परीक्षित बीच में एक प्रश्न पूछ बैठे कि ये लोगों को श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों है, गायों को प्रेम है, बछड़ों को प्रेम है, गोपियों को, गोप को, बड़ों को, छोटों को, समवयस्क को, सबको श्री कृष्ण इतने प्यारे हैं। तो बोले श्री कृष्ण पर सबका इतना प्रेम क्यों है, राजा परीक्षित प्रश्न पूछ बैठे, और सुखदेव जी ने जवाब दिया कि वो इसलिए राजा कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, और सबका अपनी आत्मा के लिए प्रेम स्वाभाविक होता है। वास्तव में अपनी आत्मा के लिए प्रेम है, इसलिए औरों के लिए प्रेम होता है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। नवारे पतिः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। सबका स्वाभाविक प्रेम अपनी आत्मा के लिए होता है, इसलिए जीव को पति कहा है और शरीर को, काया को पत्नी, और उसी से इसकी शोभा है। एक बार वह आत्मा, वह चेतना शरीर छोड़कर चली जाए, फिर शरीर को शव कहते हैं, फिर बॉडी को नीचे उतारो, शरीर ने स्नान कराओ, अब शरीर को अर्थी पे सुलाओ, अब शरीर को चिता पर चढ़ाओ। पछी छगन भाई ने चिता ऊपर चढ़ाओ, वो नत के बाद नाम मिट गया, अब शरीर रह गया, नहीं तो उसी शरीर को नाम दिया गया था। तो मृत्यु के बाद उसको, वैसे भले ही बाद में दिखते हैं कि वो छगन भाई बोले ही पास्ट अवे, बाद में नाम के आगे लेट स्वर्गस्थ लिखा जाता, लेकिन जिस शरीर को छगन भाई के नाम से जाना जाता था, वो जैसे ही आत्मा छोड़कर चली गई, वो चैतन्य छोड़कर के चला गया, तो शरीर का नाम भी उसी क्षण मिट जाता। फिर छगन भाई को नहलाओ, छगन भाई को चिता पर चढ़ाओ, ऐसा नहीं बोला जाता। और यदि अंतिम संस्कार न कर दो, तो चाहे कितना ही सुंदरता किसी की क्यों न रही हो, देखो कैसी विकृति आना शुरू हो जाती है शरीर में थोड़े दिनों में, दुर्गंध और विकार, विकृति। तो वही सब आत्माओं के भूषण है, शरीर के भूषण है, भूषण। अपयाते आत्मनी, जैसे ही निकल गई वो, चली गई, तो चाहे जितना ही सुंदर शरीर हो, उसकी सुंदरता नहीं रहती। जैसे किसी परिवार में कोई ऐसा होता है बोले हमारी ये कुलभूषण है, उसी तरह ये जो
हमारी सोलर सिस्टम है तो उसका भूषण सूर्य है, लेकिन सूर्य का भी कोई भूषण वो अव्यक्त शक्ति विष्णु संज्ञक ऐसी कोई शक्ति वो सूर्य का भूषण है, भूषण नाम को मंत्र बनाए। ओम भूषणाय नमः। शिव रहस्य के अनुसार सर्वप्रथम रुक्चेष्ट ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और जपने से उनकी तपोवृद्धि हुई, उनके तप में वृद्धि हुई। इसलिए जिसको अपने तप में वृद्धि करनी हो, मन तो बहुत है पर भजन था तो नहीं, नाम लेवा तो नहीं, पाठ हमारा थे तो छूटी गया, दरोज अग्यार माला जपवानो बनायो तो नियम पण थोड़ा महीना चालू पछी छूटी गया, ये होता है। तब रुक्चेष्ट ऋषि ने इस नाम मंत्र का जप किया शिव रहस्य के अनुसार और उससे उनकी तपोवृद्धि हुई। ऋग्वेद में भी ये नाम संकेतित है, 3:25:2 3:25:2 ऋग्वेद। तो ऐसे भगवान जो जगत का कल्याण करने के स्वभाव वाले हैं और ऐसे अच्छे स्वभाव के चलते अपने आप को भूषित करने वाले परमात्मा भूषण कल्याणकारी मंगल भवन अमंगलहारी। घनी बार आपड़ो स्वभाव ज आपने हारा लगाड़े, हारा केवड़ावे, ये बहु हारो स्वभाव, एटले લાખેણો માણસ છે, એની સાથે બેસવાનું મન થાય, એ સ્વભાવથી આપણું સૌંદર્ય વધે। ભગવાન કા સ્વભાવ એસા ભૂષણ, સબકા કલ્યાણ કરને વાલે, સબકા મંગલ કરને વાલે, મંગલ ભવન ઓર અમંગલ કા હરણ કરને વાલે, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसु दशरथ अजिर विहारी भूषण। तो लिखा है कि स्वेच्छा से विभिन्न अवतार लेकर अपने चरण चिन्हों से भूमि की शोभा बढ़ाने वाले भूषण। भूषयो भूषणो भूतिर, भूषयो भूषणो भूतिर, भूति ही आगे वाला नाम है, भूति ही। सत्ता स्वरूप और समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप भूति ही। सर्वसत्ता, सत्ता यहां पर आप ध्यान दो, सत्ता का मतलब पावर ऐसा नहीं, सत्ता का मतलब करना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सर्वसत्ता रूप अथवा तो विभूति रूप, सर्व विभूतियों के कारण रूप जो है वो है भूति ही। संजय ने गीता में धृतराष्ट्र से कह दिया, संजय संजय उवाच, धृतराष्ट्र का सेवक, संजय को फिर दिव्य दृष्टि का दान किया गया और वो गीता वहां का वर्णन सुना रहे। तो शुरुआत में जो बात हुई थी ना
कि भाई ऐसा ऐसा दुर्योधन का सैन्य है और ऐसा ऐसा पांडवों का सैन्य है, और दुर्योधन के सैन्य में कौन कौन है, पांडवों में कौन कौन है, और दुर्योधन की सेना इतनी बड़ी 11 अक्षौहिणी पांडवों की, 7 अक्षौहिणी, और यहाँ हाँ कृष्ण है पांडवों के पास, ये कुछ एक विशेष बात है, लेकिन उसमें भी वो तो हाथ में शस्त्र लेने वाले है नहीं, वो तो लड़ने वाले है नहीं। तो धृतराष्ट्र के मन में यही था, पांडव मरवाना थी आज, हर प्रकार से मेरे पुत्रों का पल्ला भारी दिखता है, दुर्योधन का पल्ला हर प्रकार से भारी दिखता है। लेकिन संजय कह दिया अंत में, हम जरा पूछा कदा धृतराष्ट्र, गीता में तो धृतराष्ट्र हुआ चाहे हम करी नहीं लिख्यू, पर आपने मान्य कि धृतराष्ट्र पूछो है संजय तो तने हूँ लागे छे हूँ था है आखा वर्णन पर तने हूँ लागे शू था छे। संजय ने कहा मुझे तो स्पष्ट दिखता है, क्या बोले, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर मम भूति, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर मम। तो भू सत्तायाम ये धातु है, तो जिस तरह से गमनम गति ही भवनम भूति ही ऐसा भी होता है, अर्थात सत्ता भवनम बनना होना अस्तित्व विष्णु भूति ही। अच्छा भूति का अर्थ विभूति करो ऐश्वर्य, वो भगवान शिव के लिए सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। विभूति ऐश्वर्य, जो भी ऊर्जित है एनर्जी से युक्त ऊर्जावान वो सब ईश्वर की विभूति है। वह परमात्मा सब में विभूति के रूप में रहा, गीता में तो विभूति योग है ही है, और कहते भी है कि यद्यत विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित देव श्री मधुर्जित में वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जे जो जो पदार्थ ऐश्वर्य युक्त सौंदर्य युक्त और ऊर्जित ऊर्जावान, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे टीचर, उनका नाम था ऊर्जित भाई, ऊर्जित। जो जो पदार्थ ऐश्वर्य युक्त है सौंदर्य से युक्त है ऊर्जा से युक्त है, भगवान कहते हैं कि उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जान। और भगवान की विभूतियों का तो अंत ही नहीं है, नास्ति नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं। भूति ही वो क्या अपने मंत्र में आता है बेटा, उसमें भूतिश्च यज्ञेन कल्पन्ताम, वो यज्ञेन कल्पन्ताम वाले में भी ये आया है भूतिश्च, चकार मकार अपने जो करते हैं
नमक चमक नमक चमक भूतिश्च मे जगने न कल्पन्ताम् भूति ही अब इसको मंत्र बनाए ये मजा है इधर इन उपयोग शू अवस्तु कामनी छे कि नहीं कामनी छे कया काम में आवशे हमलो भगवान के नामों का तो क्या कहना किस काम में आएगा कौन उपयोग में आएगा इससे क्या सिद्धि मिलेगी बोले इस नाम को मंत्र बनाओ ओम भूतये नमः शिव रहस्य के अनुसार ऋषि का नाम कभी सुना नहीं होगा प्रायः इन सब ऋषियों का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे पादपशाही ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा और जपने से ऐश्वर्य की वृद्धि हुई पादपशाही नो अर्थ हूं करशु हाँ सोने वाले पेड़ पे सोने वाले और फिर पादपाहा क्यों वृक्ष को पादप कहते हैं पादप क्योंकि पग से पानी पीने वाले हैं अतः पादपहा पाद चरण उससे प पीने वाले पग से पानी पीने वाले पेड़ों को पानी देते हो तो मूल में देते हो पग कहे जाते हो मूल में पानी देते हो तो नीचे से पानी ऊपर तक तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है तो ऐसे पादप वृक्ष और पादपशाही हेठे पाछो हरप भर पावे नीचे सोए वृक्ष के नीचे सोए तो कोई जंगली पशु आ जाए कुछ भी नहीं था अगले के पास पेड़ पे सोने वाले और ऐसे ऋषि के पास इस नाम मंत्र के अनुष्ठान से ऐसा ऐश्वर्य हो गया हमने जरा पैसा वैसा नहीं तकलीफ हो तो चालू कर दियो अच्छा केवल पैसे की बात नहीं है ऐश्वर्य की जब आप बात करते हैं तो तुम्हारो घर में कोई मान तो ना होए ऐश्वर्य ना होए कोई तुम्हारो हांबड़तू ना होए कोई तुम्हारो मानतू ना होए इस नाम मंत्र का अनुष्ठान करो ओम भूतये नमः एकांत में कर जो नहीं तो घर वाला ने हम था क्या भूत नहीं उपासना करे कोने वश करवाना हूं करवाना था इन्हें था क्या भूत ने नमस्कार करे क्योंकि उनको तो पता नहीं है क्योंकि वो इस प्रवचन में आए नहीं है या तो YouTube पर सुना नहीं है तो भूत ही का क्या अर्थ है उनको पता नहीं है तो भूत है ये नमः मंत्र को ठीक से जानना चाहिए समझना चाहिए ओम भूतये नमः इस नाम मंत्र का जप करने से पादपशाही ऋषि को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई ये शिव रहस्य में लिखा है भूषयो भूषणो भूतिर भूषयो भूषणो भूतिर विशोकः शोकनाशनः वो समय तो हो गया मेरा घड़ी की ओर ध्यान गया ऐसा ही होता है अपने भले या पचा हाइट के हितर बैठा सी है लेकिन स्वाध्याय में फिर क्योंकि एकदम मुक्त है ना बात करने में भी मुक्त है आपस में चर्चा भी होती है इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का भी हो जाता है और थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी मिलता है करिएगा ये सब
विशोक शोक नाशनः। पूरु करवू छे के अहीं राखवू छे? ना, ये श्लोक पूरा कर दे, क्योंकि भूति ही तक तो अभी केवल हमने पांच ही नाम किए। विशो कहा, सब प्रकार से शोक रहित, सीधा साधा अर्थ विशो कहा, जिसमें शोक नहीं है, सब प्रकार से शोक से जो रहित है परमानंद स्वरूप, विशो कहा। अपने त्या स्वामी हो न संन्यासी हो ना, बदा ना नाम पन जोवा जेवा हो। एक हमारे स्वामी थे, स्वामी विशोकानंद जी, विशोकानंद। तो परमात्मा स्वयं परमानंद स्वरूप होने से सर्वदा शोक रहित है। अपने भले गम्मे एटला कई एक मौज मा छीए, केम मौज मजा मा ओ, लेकिन कहीं ना कहीं शोक हमें हो जाता है, क्योंकि मोह है तो शोक है। अर्जुन को भी मोह हो गया। तो हम सर्व काल में शोक रहित नहीं होते, मोह इत्यादि कोई ना कोई विकार के वशीभूत हो जाते हैं, तो शोक होता है। और परमात्मा का आनंद सर्वत्र सर्वदा अक्षुण्ण रहता है। विशोक विशेषेण गतः विगतः, विगतः शोकः यस्य सः विशोकः, सर्वथा शोक रहित। देखो, जहां द्वंद्व होता है, द्वैत होता है, भेद होता है, संयोग है, वियोग है, वहां शोक मोह आदि लौकिक धर्म संभवित है। मोहग्रस्त हो गए अर्जुन तो फिर शोकग्रस्त भी हो गए, विषादग्रस्त हो गए। लेकिन परमात्मा वो सर्वस्वरूप में वही है, वहां कहां द्वैत है, वहां कहां भेद है, सर्वस्वरूप परमात्मा ही है। विश्वम विष्णु प्रारंभी हुआ है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का, इसलिए वही सर्वत्र है, बिना उनके कुछ है ही नहीं, तो किसका वियोग। तो तरति शोकम आत्मवित और तत्र को शोक को मोह, को मोह को शोक। तो जहां अद्वैत है, इसलिए तो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत लोगों को बहुत पसंद आता है, कि यही सभी समस्या या सभी प्रश्नों का उत्तर या समाधान अद्वैत में ही है। तो वह विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, वही व्यापक है, वही व्याप्त है, वहां कोई भेद है ही नहीं, वहां द्वैत है ही नहीं, तो फिर संयोग वियोग वाली बात भी वहां नहीं है। अतः सर्वदा शोक रहित विशोक, तत्र को मोह कः शोकः, एकत्वम अनुपश्यतः। तो एकत्व देखने वाले को क्या मोह क्या शोक, वहां नहीं रहता उसको। अच्छा, विशोकः विशेषेण शम सुखम यस्मिन् तत्, शम सुखम यस्मिन् तत् विषम, विष नहीं जहर, विष विष की बात है, तत् विषम। समझाओ कितना श छे, स श अने बोलो फाड़ियो, षटकोण नो श,
दंत्य तालव्य मूर्धन्य હવે પાછા કયો તમે નહીં તો આની ખબર નહીં પડે દંત્ય દંત્ય સ જે સ દાંત થી ઉચ્ચારણ થાય સ સમાનતા સ તાલવ્ય શ શિવ શિવ એમાં જે શ આવે ને શ મીંડાવાળો શ એ તાલવ્ય મૂર્ધન્ય શ ષષ્ઠ અહીંથી મૂર્ધની માંથી નીકળે षटकोण नो षडानन षष्ठ षष्ठ षडानन कार्तिके षट तो अहिया बोलो शकोरा नो श तो विशेषेण शम सुखम यस्मिन तत् विषम जहां विशेष प्रकार से सुख होता है उसको कहते विष वो वाला श हो जाएगा तो विष का अर्थ हो जाएगा जहर पॉइजन तो जहां विशेष प्रकार का सुख होता है वो है विष छोटी वाली ई विष तो जहां विशेष प्रकार का सुख है यानी विष है ऐसा वैकुंठ इत्यादि धाम जिनका है ऐसे ब्रह्म ऐसे भगवान विषो कहा थोड़ो अघरु पड़ू पड़े वो छे પણ સમજવું પડે એવું છે તો વિશોકઃ વિશેષેણ શમ સુખમ યસ્મિન તત વિષમ એસા વિશેષ પ્રકાર કા સુખ જહાં હૈ વો વૈકુંઠ ઇત્યાદિ ધામ જિનકા હૈ ગુરુદેવ ઓકઃ નિવાસ કો બોલતે હૈ ઓકઃ ઓકઃ વો ભી આગે આયેગા વિષમ ઓકઃ विषम ओक स्थान निवास वैकुंठादि यस्य तद् ब्रह्म विशोक या तो आनंद प्राचुर्यात आनंदमय है वाली बात है ना वो जो हम उसको याद करते हैं कथा में कई बार कि वो राबिया कहती रहती थी कि भाई खुदा से प्रेम करो खुदा से मोहब्बत करो तो किसी दूसरे मौलवी ने कहा कि खुदा से मोहब्बत करो ये तो ठीक है लेकिन शैतान से नफरत करो ये भी बताओ और तू करती है कि नहीं तो राबिया ने कहा कि लिखा होगा धर्म ग्रंथों में शैतान से नफरत करो लेकिन मैं नहीं करती किसी से नफरत बोले शैतान से भी नहीं बोले नहीं क्यों तब तो तू धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं चल रही है बोले खुदा से मोहब्बत करने में इतनी व्यस्त हूं इतनी मस्त हूं कि शैतान से भी नफरत करने का मेरे पास समय ही नहीं है जो प्रेम से भर गया हो तो आनंद प्राचुर्यात इतना आनंद है प्रचुर मात्रा में शोक कहां रहे जगह ही नहीं है शोक के रहने के लिए अच्छा व्यास जी को भी हम 24 अवतार में भगवद अवतार मानते हैं ना व्यास जी को 17वां अवतार भागवत के प्रथम स्कंद के अनुसार 17वां अवतार व्यास अवतार लेकिन वो तो शोक से पुत्रेति तन्मयतया जब सुखदेव जाने लगे तो एकदम विरह कातर हो करके हे पुत्र हे शुक बोलते हुए पीछे पीछे जाने लगे लेकिन वो व्यावहारिक लीला है वैसे परमात्मा आनंदमय है लेकिन आनंदमय भगवान राम बन करके आते हैं
और जब चित्रकूट में दशरथ जी के देहावसान का समाचार सुनते हैं तो लौकिक पुरुष की तरह रोए। और उसके बाद में भी जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब बारी बिलोचन भरहीं। लेकिन वो मानुषी लीला है, देवत्वे देवचेष्टा, मानुषत्वे च मानुषी, ये कहा गया मानुषत्वे च देवत्वे देवचेष्टा। तो जब देव देवत्व में है तब देव की तरह उनकी चेष्टा होती है, लेकिन जब मानव रूप बनाते हैं तो मानुष मनुष्यत्वे च मानुषी। मानुषत्व जब होता है, मनुज रूप धारण करके आते हैं, तब भगवान मानुषी लीला करते हैं। नाम का मंत्र बनाए, नाम मंत्र, ओम विशोकाय नमः। शिव रहस्य के अनुसार सर्वप्रथम अंबुजाल ऋषि ने ये नाम मंत्र जपा। अंबुजाल ऋषि ने ये नाम मंत्र जपा, इसलिए इस मंत्र का ऋषि है अंबुजाल। और इसको जपने से अंबुजाल ऋषि ज्ञानियों में श्रेष्ठ हुए। विशोका, तो यह मंत्र श्रेष्ठ ज्ञानप्रद है और ऋग्वेद में कनेक्शन मिलेगा, इसका संकेत मिलेगा। और संकेत है तो मतलब कभी कभी संकेत के रूप में आप देखिएगा, स्पष्ट नामोल्लेख न मिले तो संकेत के रूप में देखिएगा। जैसे वो भीष्म स्तुति में रति शब्द या रति अर्थ विषयक शब्द 9 श्लोकों में है और 11 में से 2 में नहीं है, एक में सर्वसमर्पण, एक में स्वसमर्पण, और 9 श्लोक में नवदा भक्ति, उसमें भी 7 श्लोकों में रति या तो रति अर्थ विषयक शब्द और 2 में नहीं है। तो उसका वो चर्चा जो हम भीष्म स्तुति में करते हैं कि नवदा भक्ति में से 7 प्रकार की भक्ति करने में जीव स्वतंत्र है, 2 प्रकार की भक्ति में जीव परतंत्र है, इसलिए उसमें 2 में नहीं है। तो रति शब्द या रति अर्थ विषयक शब्द तो सांकेतित है, अतः ऋग्वेद में 10, 31, 8 देखना चाहिए। विशोकः शोकनाशनः, स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का समूह नाश करने वाले, ये स्वयं विशोकः वो तो है ही है। अच्छा, खुद विशोक हो ये एक बात है और दूसरों के शोक को भी मिटा दे, खुद दरिद्रता नहीं है, धनवान है, लेकिन अगले की दरिद्रता मिटाने वाला स्वभाव है कि नहीं? कभी कभी सामर्थ्य होता है, स्वभाव नहीं होता। तद अनुसार एक पैसा किसी को नहीं दे। तो भगवान ऐसे करुणा वरुणालय है कि खुद तो विशोक है ही है, लेकिन अगले के शोक का भी नाश करने वाले हैं। शोकम नाशयति इति शोक नाशनः। अभी इसके ऊपर अभी विचार करेंगे, लेकिन हमने छू लिया इस श्लोक को, इसके ऊपर विचार करेंगे, आगे जारी रखेंगे, क्योंकि आज फिर आरती का समय हो जाएगा। अतः यहीं श्रीहरि की शरण ग्रहण करें। कुछ भी हो, स्वाध्याय में आनंद तो बहुत आता है। और जैसा मैंने कहा, ये दीवाने खास है, दीवाने आम नहीं, इसलिए आप खास खास लोग हो। मेरे पास आनंद आ रहा है इन नामों पर चिंतन करने का। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। आप सभी को जय श्री कृष्णा। नमस्कार। श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र प्रवचन माला में पूज्य गुरुदेव के मुख से हम एक एक नाम के अनेक अनेक अर्थ सुन रहे हैं और इस प्रवचन गंगा में स्नान कर रहे हैं। हाँ, और आज तो अनीशः नाम आया, सर्वतश्चक्षु नाम आया, सर्वम विष्णुमयम जगत, इसी भावना का हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नास्ति नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो ऐसा दिव्य अनुभव, और एष मे सर्वधर्माणाम धर्मो दिकतमो मतः, यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवेरर्चेन नर सदा। तो भगवान की दिव्य सपर्या यहाँ से हमारे द्वारा, पूज्य गुरुदेव के द्वारा संपन्न हो रही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, इस यात्रा में हम जुड़े हैं, इस यात्रा के हम पथिक हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे, अभी हमें हरि मंदिर में निराजन के लिए भी जुड़ना है, भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन भी करना है। यहाँ हम आंतरिक दर्शन कर रहे हैं, वहाँ हम बाह्य दर्शन करेंगे। तो इसलिए मैं आज के दैनिक यजमान श्री जसुमती बेन भाड़ परिवार को यहाँ मंच पर आमंत्रित करूँगा कि आए और निराजन में जुड़िए। साथ ही साथ मुख्य यजमान हमारे अपने दादाजी पूज्य आदरणीय बजरंग दास जी तापड़िया परिवार भी इस हमारे उपक्रम के मुख्य यजमान हैं दादाजी। तो उनकी ओर से भी हमारे एक ऋषि कुमार प्रतिनिधि के रूप में आरार्तिक्य में जुड़ेंगे और यहाँ से ग्रंथ की पूजा होगी। हम सब भी निराजन में जुड़े, आइए। मंत्रेण आरार्दिक्यं प्रज्वाल्य गंधाक्षतैः संपूज्य ज्वालामालिन्यै नमः।
ओम जय श्री हरि स्वामी प्रभु जय श्री हरि स्वामी नाम सहस्र स्वरूप में नाम सहस्र स्वरूप में राजत बहु नामी ओम जय श्री हरि स्वामी कुरुक्षेत्र में भीष्म जी धर्म को समझाते प्रभु धर्म को समझाते लोकाध्यक्ष हरि को लोकाध्यक्ष हरि को भज सब सुख पाते प्रभु जय श्री हरि स्वामी गुण नाम सब गाए विश्व रूप प्रभु के प्रभु विश्व रूप प्रभु के स्तुति अर्चाते की स्तुति अर्चाते सम्मुख श्री हरि के प्रभु जय श्री हरि स्वामी विष्णु सहस्र नाम जो सुनते या गाते प्रभु सुनते या गाते भोग मोक्ष की क्या है भोग मोक्ष की क्या है हरि भक्ति पाते प्रभु जय श्री हरि स्वामी ओम जय श्री हरि स्वामी प्रभु जय श्री हरि स्वामी नाम सहस्र स्वरूप में नाम सहस्र स्वरूप में राजत बहु नामी प्रभु जय श्री हरि स्वामी प्रभु जय श्री हरि स्वामी प्रभु जय श्री हरि स्वामी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु नारायणी नमोस्तुते ओं भूर्भुवः स्वः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य अञ्जलो पुष्पाण्यादाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जगनेन जगनमय जन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विद्या बुद्धि धनेश्वर्यम् पुत्रपौत्रादिसम्पदः पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम् ॐ भूर्भुवः स्वः वाङ्मयस्वरूपाय नमः श्रीहरये नमः चरणकमलयुग्मेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थये सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरुहे क्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ भूर्भुवः स्वः वाङ्मयस्वरूपाय नमः श्रीहरये नमः प्रार्थनापूर्वकनमस्कारान् समर्पयामि श्रीहरिभगवान् की जय श्रीसद्गुरुदेव भगवान् की जय हरे राम हरे Hare Rama
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाइए सब गाइए प्रेम से पुकारिए